गण नायक नमः नमः गणपति देवा गजाननम शोक विनाशक कारकम तुम्हें नमामि उमा सुतम गण नायक नमः नमः गणपति देवा गजाननम शोक विनाशक कारकम तुम्हें नमामि उमा सुतम हे गण नायक नमः नमः गणपति देवा गजाननम शोक विनाशक कारकम तुम्हें नमामि उमा सुतम हे गण नायक नमः नमः गणपति देवा गजाननम शोक विनाशक कारकम तुम्हें नमामि उमा सुतम इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया। इसलिए आज हम आपके कंच के हार हैं, हम वास्तु विहार। सन 1994 से लगातार 23 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य और अतुलनीय योगदान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी एफिलिएटेड CBSE न्यू दिल्ली अप टू प्लस टू लेवल। 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर। हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं, योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस, मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभागार, CCTV कैमरा, स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा, संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था, संगीत शिक्षण की सुविधा, योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा, 24 आवर्स पावर बैंक। हमारी उपलब्धियाँ, ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियन, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गाइड में पुरस्कार, IIT एवं मेडिकल जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष चयन, साथ ही नेपाल के छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अपने ही घर जैसा माहौल में सुविधा संपन्न हॉस्टल की व्यवस्था, सीट सीमित है, जल्द ही संपर्क करें। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एकेडमी ब्लॉक अमघट्टा सीतामढ़ी राजोपट्टी सीतामढ़ी। कॉन्टैक्ट 7320921479 5546 7915566 4 missed call 9091943। वेलकम टू चिन्मया इंटरनेशनल स्कूल, वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सीतामढ़ी बिहार। आवर स्कूल इज प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, बिग प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा। आवर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री गिविंग देयर बेस्ट टू कार्व द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। एडमिशन इज ओपन फॉर द सेशन 2018 and 2019 फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 6। Students can get an opportunity to get free scholarship examination through the entrance exam, which is to held in the month of February. अपने बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर आप इस स्कूल में पा सकते हैं, आइए। सद्भावना टीवी चैनल में आपका स्वागत। आज हमारे हम आपको ले चल रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के पास में, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला का दहन किया। आइए हम जानते हैं उन्होंने पुतला दहन क्यों किया। नमस्कार, हमारा नाम हुआ रामेश्वर मंडल जी सर, बाजपट्टी अंचल प्रखंड क्या है सचिव जी सर। ये नरेंद्र मोदी का 4 साल बीत चुका जी, उसका वादा सब फेल हो गया। पहले जो कहा कि हम विदेश में काला धन सब जो जमा किया हुआ है, हमारी सरकार होगी तो हम सब काला धन लाकर हम गरीबों के बीच में 15-15 लाख रुपया के हम बंटवारा कर देंगे। दूसरा में कहा कि 2.5 करोड़ के सालाना हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, किसान का जो है से 1.5 गुना हम फसल बीमा योजना हम लागू करेंगे। ये सब फेल है। जनधन खाता में खुलवाया, आज सर जनधन खाता में एक ना का पैसा किसी को ना आया।
वृद्धावस्था पेंशन आज तक लोग दफला खा रहा है, वृद्धावस्था पेंशन आज तक भुगतान नहीं हुआ, लोग आज दो वर्षों से लेफ्ट राइट ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते थक चुका है, आज तक पेमेंट नहीं हुआ, बेरोजगार रोजगार के लिए बेचैन है, रोजगार नहीं मिल रहा है, हत्या लूट खसोट आम बात बना हुआ है, हर हमेशा हत्याएं होती है और लूट खसोट होता है। आम जनता साहब क्या कहना चाहते हैं? आम जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो भाई नरेंद्र मोदी की जहाँ से वादा फेल है, आप उनको लथार दीजिए और ऐसा जहाँ से कि कभी आप लोग जहाँ से वाम मोर्चा की सरकार को समर्थन कीजिए और वाम मोर्चा की सरकार आपको हर चीज के लिए तैयार है और सब कुछ करेगा। नमस्कार, ये सद्भावना टीवी चैनल है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सीमा जागरण मंच के उत्तर बिहार के प्रदेश के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वसंत कुमार मिश्र। माननीय मिश्र, सीमा जागरण मंच का जो कार्यक्रम हुआ था कमलावर प्रति मधुबनी में, जहाँ पर उनकी उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति थी और साथ साथ अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री गोपाल कृष्ण न्यायन का आगमन हुआ था और उन्होंने इसको संबोधित किए थे। आइए हम आपसे चाहेंगे सर कि ये बताया जाए कि यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, सीमा जागरण मंच का उद्देश्य क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताया जाए सर। सर्वप्रथम तो सीमा जागरण अर्थात भारत की जो भी सीमाएं हैं, चाहे चीन से लगी हो, पाकिस्तान से लगी हो, नेपाल बंगाल से लगी हो, उस सीमा पर हो रहे आतंकवाद उग्रवाद की स्थिति को नियंत्रण करना और भारत के दुश्मनों को वहां से पलायन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। किसी भी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियां जो बॉर्डर पर होती हैं उसको समाप्त करना, इसका प्रथम उद्देश्य है। चाहे पशु तस्कर हो, मानव तस्करी हो या किसी भी अस्त्र शस्त्र का तस्करी हो, अथवा रोहिंग्या प्रवासी का यहाँ प्रवास हो, इन सब की सुरक्षा सीमा जागरण मंच करती है। भारत सरकार का SSB जवान को सहयोग देती है और सीमा पर उपस्थित सीमावासी जो हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त हैं उनमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाना, ताकि SSB के साथ उनका समन्वय बना रहे और साथ ही सीमा जागरण मंच का वहाँ एक मजबूत संगठन का निर्माण हो और हम वहाँ प्रशिक्षण देते हैं कि हम सीमा की सुरक्षा कैसे करें। स्मरण रहे किसी भी देश की सीमा माँ के आंचल के समान होगी, अगर माँ का आंचल सुरक्षित नहीं होगा तो हम भी सुरक्षित नहीं होंगे। इसलिए यह सीमा जागरण मंच केवल उत्तर बिहार में नहीं, अखिल भारतीय है, चीन के बॉर्डर पर भी है, नेपाल के बॉर्डर पर, बंगाल के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हर जगह सीमा जागरण मंच अपना कार्य कर रही है। SSB के जवानों से मिलकर उनको भी सहयोग कर रही है, ताकि SSB के हमारे जवान जो अपने घर बार छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं, वो ऐसा महसूस हो कि हम अपने ही घर में हैं। सीमांचल के लोग उनको अपने घर जैसा लगे, ऐसा वातावरण बनाना और सीमा पर हो रहे शत्रु गतिविधियों पर नजर रखना यह हमारा दायित्व है। वहाँ राष्ट्र चेतना जगाना, राष्ट्रभक्ति जगाना, यह सीमा जागरण का दायित्व है। जागरण शब्द
ही अब समझ में आ रहा है, इसी से बोध है कि सीमा में जागृति लाना, लोगों के बीच जागृति लाना, हमारे युवा के बीच जो सीमा पर ड्रग का आदान प्रदान करते हैं या ड्रग्स लेने का है सुचेत हो गए हैं उनको छोड़वाना, सीमा पर किसी भी तरह की गलत विधियों को हटाना, यह सीमा जागरण मंच का उद्देश्य है। सर ये बताया जाए कि मूल रूप से इस कार्यक्रम का जो समापन हुआ और आपके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुई, तो मूल रूप से इसमें क्या हुआ सर? देखो प्रशिक्षण, वहाँ प्रशिक्षण शिविर लगा था, आपको उपस्थित थे, आपको भी ध्यान हुआ होगा जिस इलाके में सीमा जागरण के प्रशिक्षण शिविर लगा था वो पूरा इलाका नेक्सलाइट एरिया कम्युनिस्ट होता है, और वहाँ जितने भी कार्य किए गए उस कार्य के कारण राष्ट्रभक्ति राष्ट्र का भावना का अभ्युदय हुआ, और उस अभ्युदय का यह नतीजा है कि वहाँ के लोगों ने प्रशिक्षण शिविर का मान किया और हमने वहाँ प्रशिक्षण शिविर कराया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। एसएसबी के जवान कमांडेंट भी बहुत प्रसन्न किस्म थे, उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुई या बहुत पहले होना चाहिए था, जब भी हम कुछ तस्कर को पकड़ते थे, पशु तस्करी में मानव तस्करी में अगर पकड़ाता था तो ये लोग प्रतिरोध करते थे, विरोध करते थे, मुझे काम करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन यह बहुत अच्छा रहा कि ये हम लोगों के साथ हिल मिल गए और सीमा जागरण मंच में कार्य करना प्रारंभ करने के लिए संकल्पित हो गए तो बहुत अच्छा रहा। और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आपके फिल्म से। देखिए इस देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, इनसे पहले इस भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था, यहाँ हिंदुत्व का शौर्य था। हिंदुत्व का अर्थ यह होता है कि हिमालय से लेकर सिंधु घाटी तक, हिमालय से सिंधु घाटी तक की जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम हिमालय और सिंधु जोड़कर हिंदू की शब्द की उत्पत्ति हुई है, और उसी सभ्यता को हम हिंदू सभ्यता कहते हैं। हिंदू का मतलब कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, तो अभ्युदय हुआ, उस अभ्युदय को छोड़ा गया, मुगल के राज्य में लूटा गया इस देश को जिसको सोने की चिड़िया कहा करते थे, लुटेरों के द्वारा अंग्रेज ने फिर लूटा और उसी क्षण हमारी संस्कृति को बांट दिया। पहले हम हिंदुत्व का बोध रखते थे, अब जाति का बोध हो गया। आप देखते होइएगा कि अनेक बार हम जाति महासम्मेलन कर रहे हैं, हम हिंदू महासम्मेलन नहीं कर रहे हैं, हम परिवार नहीं बन रहे हैं, हम विभक्त हो रहे हैं, हमको नहीं तो परिवार में रहना है तो नहीं, अब हम विभक्त हो रहे हैं, जिसका नतीजा हर घर में पड़ रहा है कि अब उनका लड़का शादी के बाद पति पत्नी और बेटा तक सीमित के रह गया, पहले घर हुआ करता था अब क्वार्टर हो गया। तो सीमा जागरण मंच सीमा पर हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुत्व का तात्पर्य हमें किसी अन्य धर्म या संप्रदाय का कोई विरोध नहीं है, हमने पहले पूर्व में ही कहा कि हिंदुत्व शब्द हिमालय से सिंधु घाटी तक की सभ्यता का बोधक है, इसलिए हिंदू सभ्यता को जीवित रखना
यह हमारा लक्ष्य है और सीमा पर जो नेपाल के रास्ते से, बंगाल के रास्ते से और साथ ही अन्य देश की जो सीमाएं भारत से लगी हुई है उन रास्तों से अगर उग्रवादी प्रवेश करता है उसे नष्ट करना यह हमारा ध्येय है और उसमें हम काम करेंगे और करते रहेंगे, जागरण करेंगे तो करते रहेंगे, प्रशिक्षण शिविर लगेगा लगते रहेंगे। नमस्कार, ये सद्भावना टीवी चैनल है। आज हम आपको ले चल रहे हैं श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज और उसके बाद ले चलेंगे सरस्वती विद्या मंदिर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग का कार्यक्रम हो रहा है। आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम को। नमस्कार, सभी लोग दाहिने झुकेंगे, दो का जवाब दे सुनो। तो हाथ हमारा शांत से सटा हुआ होना चाहिए। हम कितना झुक चंद विस्तार केयूरवान मकर कुंडलवान कृषि हरी हिल बाया पैर पीछे स्थिति देखिए अग्रसर को संजानाना उपासते, अर्थात हम सब गमन करें, हम सब साथ समर्पित बनाए, जैसा देखिए जब भी झुकेंगे सांस को बाहर करेंगे। लकड़ी का हिस्सा
लंबी गहरी सांस अंदर लग गया है आसन लग गया वहाँ बैठ दोनों पैर मोड़ेंगे एक बार रुक के आप अपने अग्रसर को देख सकते हैं मर कितने वर्षों तक जीवित रहते थे और लगातार स्वस्थ रहते थे। जब से हमने योग को छोड़ा तब से हम अस्वस्थ हो गए। हमारा पूरा परिवार बीमार में चला गया। हमारा पूरा समाज और देश बीमारी के कंगाल हो गया। आज आपको पता होना चाहिए कि प्रति वर्ष एक भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा योग शिविर का यह आयोजन गोयनका कॉलेज के इस मैदान में किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में शहर के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया वो 190 देशों में मनाया जा रहा था। उस समय हमारे जो निरंजना ज्योति जी केंद्रीय राज्य मंत्री वो सीतामढ़ी के इसी प्रांगण में आई थी और उन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ शिरकत किया था। इसके बाद हम लोग यहाँ चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल आयोजन करती रहती है ताकि निरोग रहे। धन्यवाद। और अपने बच्चों का स्थान सुनिश्चित करें। सद्भावना टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ईद की चांद देखने के लिए लोगों में जो उत्सुकता है तथा ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया है उसको हम देखते हैं। नमस्कार। तमाम मुस्लिम भाई और पूरा भारतवर्ष देश का हर नागरिक ईद की खुशी में मग्न है। खुशियाँ मना रहे हैं लोग आज के पावन मौके पर। मैं देशवासियों के साथ खासतौर पर सीतामढ़ी जिला के समस्त वासियों से आह्वान करता हूँ कि वो आपसी भाईचारा एकजुटी और एक विश्वास का माहौल पैदा करने में सब लोग आगे आएँ, एकजुट हो और जो फिरका परस्त ताकतें हैं जो आज समाज को बांटना चाहती हैं, जो समाज जो विभिन्न धर्मों को लड़ाना चाहती हैं, जो लड़ाकर अपनी राजनीति को राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहती हैं, ऐसी फिरका परस्त ताकतों को आज मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। और ईद के मौके पर मैं तमाम देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि वो भारतवर्ष के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएं और एकजुट हों, एक साथ आएँ और तमाम जो आपस में जो दूरियां हैं उसको मिटाएं और जो ईद का जो एक पैगाम है आपसी भाईचारे का, अमन का, एकता का, उस पैगाम को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाएं। और मैं आज ये वादा करता हूं कि सीतामढ़ी संघर्ष समिति की ओर से जो हमारा संगठन है सीतामढ़ी जिला के अंदर वो गांव-गांव में, खलिहानों में और चौक चौराहों पर जाकर लोगों के लिए एक विश्वास कायम करने का प्रयास करेगा और ये कोशिश करेगा कि जिले के अंदर शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा कायम रहे और ये जिला तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े और न सिर्फ जिला आगे बढ़े बल्कि इसके साथ साथ बिहार और पूरा देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं सद्भावना टीवी चैनल के माध्यम से तमाम जिलावासियों को, तमाम देशवासियों को, देश के हर एक नागरिक को ईद की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। ये सब भगवान के बीच अंदर है। आज हम आपको ले चल रहे हैं हरलाखी प्रखंड जहाँ सीमा जागरण मंच के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है। आइए हम देखते हैं। हाँ, yeah.
करिए नेपाल का बॉर्डर हो गया। हाँ प्रणाम हाँ तो हम लोग इंडिया में यही तक है जी नहीं सर आगे तक नहीं है जहाँ तक अपना ये बाउंड्री घेरा हुआ है वहाँ तक है इसके बाद नहीं इसके बाद नहीं इसके ऊपर जो खजूर का जो पेड़ दिख रहा है ना और जो चौड़ा वाला दिख रहा है जमीन वो और उसके इस तरफ हो गया इंडिया वहाँ पे है ना वहाँ बन रहा है बस ये लास्ट पिलर है ऐसे मात्र पाँच के मार पाँची जवान का बहुत तीन जवान का दिन में ड्यूटी होता है क्योंकि ऐसे कोई गलत काम यहाँ पर होता है पाँच जवान रहता है बगल में हो गया आज अभी बॉर्डर पर जाता है ना इसके बाद ये बॉर्डर आगे पड़ जाता है ड्यूटी हम हमारे उन्होंने कहा केवल देवी
सीमाएं भी हमारे भारत की जो गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से बंगाल तक जो भारत की समुद्र सीमा है उस समुद्र सीमा पर भी हमारे अलग अलग नाम पर काम है। जो समुद्र सीमा पर मछुआरे समाज रहता है उनके बीच में हमारे संगठन की काम है। संगठन के स्वरूप क्या है अभी मैंने कहा हमको शक्ति नहीं है तो संयोजक रूप देना। अभी हमारे एक बंधु ने कहा एक युवक ने कहा और दूसरा तो सीमा जागरण केवल बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है। राष्ट्र की रक्षा करने हैं तो हमारे युवा पीढ़ी पर संपन्न अभी युवा पीढ़ी के वाले देखे तो आप सब जानता है हमारे गांव के बीच में कोई ऐसे गए तो नए व्यक्ति गए तो गांव के युवा लोग देखकर आगे जो अपने जो कचरा है एक उसमें जाकर फेंका एक ऐसा एक कचरा अभी बढ़ गया। लेकिन हमारे गांव में देखे तो इतना गंदगी है इतना शांति है थोड़ा है विश्वास आएगा एक रिश्ता आएगा एक लगाना है। इसलिए सीमा जागरण मंच की ओर से सेवा कार्य काम मिलकर काम लेकर हम कर रहा है। इसी प्रकार अभी जो पाकिस्तान बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर जो म्यांमार बॉर्डर भूटान बॉर्डर इसी प्रकार जो नेपाल बॉर्डर और समुद्र सीमा में सभी एरिया में हमारे काम है। इधर भी थोड़ा हम शुरू करना अभी गाँव के दौर आया है। गाँव में आगन को यही है तो ध्यान देखो अभी इसके शुरुआत में हम सब मिलकर भारत माता की जय रहा जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे भारत के सभी एरियाओं में लोग कितने विस्तार से वंदे मातरम और भारत माता की जय कहा। लेकिन स्वतंत्रता होने के बाद एक भारत माता की जय कहना थोड़ा मृत्युंजय झा मुख्य संरक्षक जानकी सेना। जी सर, ये बताया कि जानकी सेना का जो आपने गठन किया उसके पीछे क्या मूल उद्देश्य है? देखिए मकसद ये है कि मिथिला एक समय में देश और दुनिया में गौरवान्वित था। यहाँ की प्रतिभाएं आज भी मिथिला को छोड़कर के पूरे देश और विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाकर काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है वही मिथिला के लोग अगर मिथिला में विकास करने के लिए आते हैं मिथिला को उत्थान करने के लिए आते हैं तो वो नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की उनकी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि उनको वापस बेरंग लौटना पड़ता है। जानकी सेना का यह प्रयास शुरुआत हुई 8 साल पहले और हमने लगातार इस प्रकार का प्रयास किया कि मिथिलांचल का जो सांस्कृतिक धरोहर है ये धार्मिक स्थल है ये अपने आप में एक प्राचीन है और इसका एक विशेष इसके बारे में कहानी है। चाहे वो यहाँ बंजारागढ़ का किला हो चाहे यहाँ विश्वामित्र का जो तपस्या था जिसके कारण भैंस का अवतरण हुआ जिसके कारण नारियल का आविष्कार हुआ इस प्रकार की कई ऐसे विधाएँ यहाँ पर है जो छिपे हुए हैं आज के लोग आज की पीढ़ी उसको भूलते जा रहे हैं। और जानकी सेना का यह प्रयास है कि आने वाले समय में हम उस साहित्य को खंगालें उसके बारे में हम आज की पीढ़ी को बताने का काम करें। आप देखेंगे तो मिथिला के इतिहास में ऐसे ऐसे सूरवीर पैदा हुए जिनकी अपनी अलग कहानी है उसके कारण से आप देखेंगे हर एक समाज में हर एक सामाजिक वर्गों के एक उनके प्रधानता रही उनको देवता के रूप में मानते रहे। जैसे राजा सहलेश के बारे में आज ठीक है वो नेपाल के क्षेत्र में है जो हमारा मिथिला का कटा हुआ भाग है जो हमारा नेपाल अधिकृत जो मिथिला है उसके अंदर है लेकिन आज राजा सहलेश के प्रति एक अलग आदर का भाव है श्रद्धा का भाव। उसी तरह दीना भद्री जो ऐसे शेड्यूल कास्ट समाज है उनके लिए वो आदर्श का विषय है। ऐसे करके लोहड़ी के बारे में तो अलग अलग के इतिहास के बारे में जानकी सेना प्रदान करके फिर से नए प्रस्तुति करके हम आज की पीढ़ी को बताने का काम करें। दूसरी मान्यता है कि मिथिला के अंदर माता जानकी का
जो उर्दा है स्थल का प्रकटीकरण हुआ था, यहाँ प्रकट हुई थी और यहीं पर इसी धरती में वो समा गई थी। तो मिथिला की इस पावन भूमि में कहीं ना कहीं जानकी जी का वो प्यार वो स्नेह मिथिला के लोगों के साथ है। लेकिन शायद आज लंबे समय में हम रामनवमी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जानकी जी का जन्मदिन भी उनको धूमधाम से मनाना चाहिए। यानी दामाद का जय जयकार करते हो, ऋषि का जय जयकार नहीं करते हो। जानकी सेना ने यह अभियान शुरू किया कि हम जानकी नवमी को भी धूमधाम से मनाएंगे और माता जानकी जी का जय जयकार करेंगे। इसको लेकर के रथ यात्रा का आयोजन किया गया, डोली यात्रा का आयोजन किया गया, बड़े स्तर पर विभिन्न स्पर्धा वगैरह के माध्यम से यहाँ के नौजवानों को जागृत करके माता जानकी के बारे में, माता जानकी के जानकी नवमी महोत्सव में सब शामिल होकर के माता जानकी के जय जयकार करने के बारे में इस सब लोगों को बताया गया। और यही कारण है कि एक हम कहते हैं ना कि धरती के अंदर शक्ति चली जाती है और शक्ति का अगर नाम लेने वाला कोई न रहे तो धीरे धीरे शक्ति विलीन हो जाती है। आज पुनः जरूरत है मिथिला को अगर एक बड़े ताकत के साथ खड़ा होना है, फिर से गौरवान्वित और गौरवशाली होना है, तो माता जानकी के नाम का जोरदार उच्चारण करने की जरूरत है। और हम जितने माता जानकी का उच्चारण करेंगे, माता जानकी का जय जयकार करेंगे, उनके बारे में उनकी स्मृति करेंगे, उनका वाचन करेंगे, उनके कथा का हम करेंगे, जानकी कथा कराएंगे, जानकी जी की स्तुति करेंगे, तो निश्चित रूप से माता जानकी फिर से प्रकट होंगी, क्योंकि वह धरती की पुत्री है और फिर से अगर धरती के अंदर प्रकट होती है यहाँ मिथिला के अंदर, तो निश्चित रूप से मिथिला का उदय होगा और मिथिला आने वाले समय में फिर देश और दुनिया में उसी तरह से पूजनीय और गौरवान्वित होगा। ये जानकी सेना का अपना लक्ष्य। सुना है कि पृथक राज या देश की मांग कुछ लोग कर रहे हैं। देखिए ये जो आप देखेंगे तो लगातार के दिया, जब आडवाणी जी थे, जब अटलधारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत के अंदर सरकार चल रही थी, उस समय एक बड़े सर्वे में निकला हुआ था, आपने उसमें देखा होगा कि 2 लाख बांग्लादेशी यहाँ घुसे घुस गए हैं और उन बांग्लादेशियों को भी लाल कार्ड देने की बात हुई पिछले 2005 के अंदर में, जिसके कारण से आज उनको भी एक अधिकार मिलने लगा है। यह एक देश के लिए सीमा के क्षेत्र के लिए बड़ी खतरा है। आप देखेंगे रक्सोल से लेकर के जो किशनगंज होते हुए एक बड़े बांग्लादेश की मांग कर रहे हैं लोग कर रहे हैं और एक नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से काट करके हमने बांग्लादेश बनाया है, अब भारत से काट करके एक अलग बांग्लादेश बनाएंगे। और इस मुहिम में वो कई आप वीडियो वायरल हुए हैं, उस वीडियो के अंदर उसे गीत है, उस गीत के माध्यम से ये दर्शा रहे हैं कि हम आने वाले समय में हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित रूप से ये जो पूरे देश में आतंकवादी गतिविधि घटती है तो कहीं ना कहीं उसका तार मिथिला से जुड़ता है। इसका मतलब मिथिला में धीरे धीरे वो एक स्लो मूवमेंट के साथ मिथिला के अंदर एक करंट फैला रहे हैं और कई जिले आज अब एक मुस्लिम समाज के लिए या कहे कि अल्पसंख्यक समाज के लिए एक बड़ी आबादी का जिला हो गया है। उसके बाद भी यहाँ बड़ी गतिविधि नहीं हो रही, इस प्रकार की कोई बात नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं साइलेंट वर्क किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि मिथिला के क्षेत्र में, सीमा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के साथ हम सभी को सशक्त रहना चाहिए कि आने वाले जो खतरे हैं, जो विदेशी खतरे हैं, उस खतरे को रोकने के लिए मिथिलांचल के लोगों को और मिथिला के लोगों को संगठित होकर के प्रयास करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आने वाला जो भविष्य है, जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो आने वाले भविष्य है मिथिला के, उनको संरक्षण और संवर्धन करने के लिए आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाला समय में आपका कार्यक्रम क्या है? देखिए जानकी सेना, मैंने अभी बताया कि लगातार यह अभियान चल रहा है, हम इस काम को रोकने वाले नहीं हैं। हम मंडल से लेकर के पंचायत तक की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, हम सशक्त टीम बनाना चाहते हैं। हमारा अभियान है कि यहाँ जितने भी अपना घर है उस घरों में कम से कम एक तलवार जरूर रहना चाहिए अस्त्र के रूप में। आज आप देखेंगे तो उनकी आत्मसुरक्षा, जो पहले घरों में लोग रक्षा करते थे ऐसे पौराणिक हथियार, वो आज तक आज आप दिखाई नहीं देंगे। तो धीरे धीरे लोग ऐसे उदार होते रहेंगे, जो सीमा क्षेत्र में थोड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जानकी सेना का यह प्रयास है कि हर घर में स्वावलंबी लोग खड़े हो सके, हर घर में देशभक्त और मिथिला के लिए समर्पित व्यक्ति खड़े होना चाहिए। सीमांचल के दृष्टिकोण से भारत की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करें, इस काम में जानकी सेना उनको आत्मबल उनका मजबूत करेगी और हर एक नौजवानों को यह पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करेगी कि आने वाली चुनौतियों को डटकर मुकाबला कर सके। 2019 का इलेक्शन के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए इलेक्शन का मामला राजनीतिकरण है और राजनीति में हम हैं, निश्चित रूप से इस काम के लिए हम सब लगे हैं। निर्णय तो राजनीतिक दल को करना पड़ता है, वो जैसा निर्णय करेंगे उस निर्णय के हिसाब से। क्या जानकी नवमी को, जानकी सेना को हम विलय के रूप में माने, एक अनुसांगिक अंग के रूप में माने बीजेपी का? देखिए हम किसी भी बीजेपी या किसी राजनीतिक दल के अनुसांगिक संगठन नहीं है। हमारा मकसद है मिथिला का विकास और मिथिला को फिर से वैभवशाली गौरवशाली बनाना, उस काम में हम लगे हैं। हम किसी राजनीतिक दल से इस जानकी सेना को नहीं जोड़ना चाहेंगे, हम निश्चित रूप से मिथिला के भविष्य के लिए एक बड़ा संगठन के रूप से खड़ा करना चाहेंगे। बड़ा मंदिर जाइए, शर्म लिए।
जी के पाले में होता तो चला को मिलता, जो तो मिला नहीं, नाम मात्र मिला करता, जो अभी तक महंत यहाँ कितने हुए, प्राणपुरी नाम का जो महंत जी और वो थे तांत्रिक, और तांत्रिक जो थे तो वो जो है तो काठमांडू पहले की बात है, बहुत पहले है, 1847 से पहले की बात है, उस टाइम में वो गए थे काठमांडू, पहले सुनते हैं जो कथा सुनाए लोग, गुरु जी लोग बोले जो राजा महाराजा पर पब्लिक आया है जनता को सुनिया पे लिख जाके बुझो, उसी हिसाब से ये भी अपना रोडे पर कहीं आसन लगा के बैठे हुए थे, क्रांति महाराज आई गया उनको देखने के लिए। मैं अरविंद हूँ, सीमा जागरण मंच का संगठन मंत्री बिहार से, इससे पहले आप जम्मू कश्मीर में कितने साल कब से कब तक? 2012 से मैं सर क्या भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर जो है तीन वैली में, जो जम्मू वैली जम्मू प्रदेश उसमें एक प्रकार की समस्या है, जो कश्मीर है उसमें एक प्रकार की, जो लद्दाख है लेह लद्दाख उसमें समस्या से शुरू है, अलग अलग प्रोविंस का अलग अलग मीडिया और सारे देश और दुनिया से इसके लिए चिंतित है, वो कश्मीर वैली में एक्चुअली कश्मीर वैली में दो चार पाँच प्रोविंस समस्या की जड़ है, बाकी पूरा कश्मीर वैली उन लोगों का ही ज़्यादा रहना था। लेकिन ये बात मैं कहूँ तो लोगों को एक ही देगा कि जम्मू और कश्मीर जैसे कि वातावरण अलग है, भौगोलिक परिवेश अलग है, मन मानसिकता भी अलग है, अब कश्मीर अलग है आज की डेट में, इसके पीछे कोई कारण है उसमें से जो मुख्य कारण मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इसे सलमान रह करता हूँ, आर्थिक स्थिति सुधारना और आर्थिक व्यवस्था भी सुधारना, सेंट्रल गवर्नमेंट से हर साल करोड़ों नहीं अरबों रुपया अलग अलग फंड में दे रहे हैं, अलग अलग तरक्की के लिए दे रहे हैं, आप जानते हो कि डाल झील के पानी इतना गंदे हैं कि आप उस पानी में हाथ तक नहीं लगा सकते हो, उस पानी में आप और कुछ करना तो दूर की बात है, लेकिन इस डाल झील को सब सुंदर रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको देखे रखा है, वो कम नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका हिस्सा भी नहीं ले रहे, हर साल पैसा दे रहे हैं, आर्थिक साफ सुथरा अगर हो जाए, आर्थिक व्यवस्था हो जाए तो वहाँ के नौजवान को भी काम मिलता जाएगा, पत्थर छूट जाएगा, वही हाथ पत्थर वाला हाथ कलम पकड़ लेगा या सो करके काम के सामान पकड़ लेगा, कोई बिजनेस खोल लेगा, जरूर खोल लेगा, लेकिन वो फ्री में कुछ लोग खा रहे हैं और कुछ लोग कौन है, जो अलगाववादी का जो दो प्रकार की, एक ग्राउंड लेवल का काम कर रहा है, एक अंडर ग्राउंड का काम कर रहा है, ये दोनों जो बोट है, जो एक राइफल लेकर के काम कर रहा है, एक बुद्धि लेकर के काम कर रहा है, दोनों बोट को खत्म करना है, किस प्रकार खत्म करना है, पहले तो आर्थिक रूप से करना है और दूसरी प्रकार क्या है, इसको टोटली सामाजिक रूप से बाइकट करना है, सामाजिक रूप से हमें भी बाइकट होने लगे और सोचा था वो भी, लेकिन आर्थिक रूप से मुझे नहीं लगता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति सुधरेगा तब तक ये आर्थिक सुधार नहीं आएगा, और आर्थिक सुधार नहीं आएगा तो कश्मीर के समस्या क्या है, और सुधार के लिए सरकार को जितना पैसा देती है उसका हिसाब किताब सरकार बिल्कुल सरकार हिसाब ले, और हिसाब लेने के बाद उसको दो गुना दे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हिसाब ले सही जगह में सही फायदा कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ के जो हथियार मंत्री जो लोग हैं वो कौन है, वो सबके सब कश्मीरी नहीं है, वो सबके सब पाकिस्तानी है, अब ये दोनों का तालमेल कैसे हो रहा है, ये भी एक चिंतन की बात है, तालमेल बंद कर सकते हैं, तालमेल बंद करने के लिए दो तरीका है, एक तो हिंदुस्तान के आम लोगों का एक बहुत बड़ा
तीर्थ स्थल है अमरनाथ जी। बाबा अमरनाथ दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं उन लोगों को पता है ये हम जो पानी खरीद रहे हैं किसके दुकान से खरीद रहे हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं किसके दुकान से भोजन कर रहे हैं, हम जो घोड़े पे चढ़ के जाते हैं किसके घोड़े पे जाते हैं, हम जो घोड़े का पैसा दे रहे हैं इस पैसा के मुनाफा जो मेन जो हिस्सा है कहाँ जा रहे हैं, खर्चा कहाँ रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, ये टेंट वाले के खर्चा कहाँ हो रहे हैं, ये सब सभी लोगों का आर्थिक दृष्टि से अगर हिसाब करना शुरू कर दें तो आर्थिक की समस्या को करना हल। आपको सीमा जागरण के लिए जो वहाँ काम किए सर, तो वहाँ का जो मूल रूप से जो सीमा जागरण का जो अपना अपनी ओर से जो काम उसमें कितनी सफलताएँ मिली? इसमें सफलता दो प्रकार के हैं, एक तो सामाजिक सफलता, एक सांगठनिक। सांगठनिक सफलता यह है कि हमारे पास संगठन के नाम कुछ नहीं था 2012 से पहले, आज एक सशक्त NGO के रूप में है, रजिस्टर संस्था है और सरकारी कोई भी महकमा बॉर्डर के बारे में सोचे तो जरूर एक बार मध्य समिति के साथ संपर्क करें। दूसरी जो सामाजिक फायदा हुए हैं, सामाजिक ये हुए हैं कि वहाँ पे गांव के लोग मकान तो बना लेते थे लेकिन शौचालय नहीं बना सकते। सीमा गलत सीमा जागरण मंच के द्वारा वहाँ के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने सरकार के जो स्वच्छ भारत के अभियान के तहत कार्यक्रम लिया गया इसको बॉर्डर पे लागू किया और जम्मू कश्मीर में पहला स्वच्छ भारत के अभियान के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाया गया वो पहले काम सीमावर्ती अंचल से शुरू हुई है। तो सामाजिक जो फायदा हुआ है कि समाज के लोग ये सोचना शुरू कर दिया कि आम सीमा पर बसने वाले जो समाज है इनके लिए कोई है और सरकार के पास तक हम पहुँच सकते हैं, सरकार तक पहुँच सकते हैं। पहले क्या होता था मिडिल मैन आ जाते थे जो बड़े डेवलपमेंट फंड हो और कुछ भी हो सद्भावना के तहत हो और भी कुछ लोगों में बट जाते थे, अब बटना बंद हो गया, अब सीधा वहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ। ये हमारे संगठन के द्वारा दो प्रकार के लाभ हुआ। जन्म स्थान है वो भी गाँव उसी में और उधर का चार टोला रघुनाथपुर कदवाही बेलासुर गमरिया ये चारों टोला छः गांव मिला करके एक पंचायत बना। 2001 से मैं लड़ना शुरू किया नवसृजित पंचायत पंचायत में, तब से मैं 2001 में भी निर्वाचित हुआ, मैं 2006 में भी निर्वाचित हुआ और 2011 में भी निर्वाचित और 2016 में ये पंचायत महिला अधिकार आरक्षण हो गया उसमें चला। तो मैं लगातार 3 बार किया 2001 से 2016 तक। मैं 2001 का अनुभव बताना चाहता हूँ। जिस समय मैं 2001 में निर्वाचित हूँ उस समय मैं इस पंचायत में कुछ नहीं था, एक ईंट कहीं भी नहीं लगा हुआ था पूरे पंचायत में। जब बारिश थोड़ी 4 बूंद पानी पड़ जाती थी तो आप चल नहीं सकते थे पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल की इनकी बात तो अलग, मोटरसाइकिल पैदल नहीं चल सकते इस तरह की हालत इस पंचायत की। और हमने पूरे पंचायत का विकास शुरू किया और ईंट मिट्टी डालना, ईंट लगाना, ढलैया करना जो भी था वो सारा काम करते 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 मतलब 2016 तक लगभग अंतिम चरण तक पहुंच गया। रास्ता कहीं नहीं था इस पंचायत में, जो चौर है खेत पथार है बारिश गांव से उस गांव जाने वाला वो रास्ता भी नहीं था, तो हमने निजी लोगों से सड़क जमीन ले ले करके दोनों तरफ से किसान से जमीन लेके और 7 रास्ता 3-3 किलोमीटर का बनवाया है, 30 किलोमीटर जो बिल्कुल निजी जमीन है लोगों। माननीय पंचायती राज मंत्री श्री कपिल देव कामत जी से वार्ड सदस्य महासंघ सीतामढ़ी का शिष्टमंडल ने मिलकर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की प्रगति पर विचार किया है। सीतामढ़ी जिला में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना
की स्थिति अच्छी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18 का जो 50% वार्ड में अब तक कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, मुश्किल से 20% वार्ड में ही कार्य शुरू हो पाया है। पूर्ण कहने की बात तो बहुत लंबा भविष्य दिख रहा है। 30% वार्ड में 3 माह बीत जाने के बावजूद भी अब तक कार्य नहीं शुरू हो पाया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के 30% वार्ड में कार्य शुरू पुनः होना चाहिए, यानी कुल 3 वित्तीय वर्षों का 80% वार्ड में कार्य अब तक कहीं पूर्ण दिखना चाहिए, कहीं शुरू देखना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि अब तक 20% से 25% 30% के अंदर में ही कार्य शुरू हो पाया है। 50% वार्ड में अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, इसका बहुत सारा कारण है। चयनित बहुत सारे वार्ड हैं जिस वार्ड का आज तक बैंक खाता नहीं खुला, कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर बैंक खाता खुल गया तो प्राकलन नहीं बना, कहीं प्राकलन बन गया है तो तकनीकी स्वीकृत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो देना है वो नहीं दिया, कहीं कुछ प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है तो ग्राम पंचायत उस वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के बैंक खाते में राशि अंतरित नहीं किया। कुछ जगह पर राशि भेज दी गई है तो अनुलग्नक 11 में तकनीकी स्वीकृत प्राकलन और 13 में प्रशासनिक स्वीकृत प्राकलन आज तक वार्ड सदस्यों को नहीं दिया गया है, जिसके चलते कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल में प्रशासनिक स्वीकृति की पूरी राशि एक मुश्त में ही दिए जाने का प्रावधान है। पक्की गली नाली योजना में 60% राशि देने का प्रोविजन है, लेकिन ग्राम पंचायत उसका अनुपालन नहीं कर रही। हमने माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग को सीतामढ़ी के स्थिति से अवगत कराया है, उन्होंने बताया है कि अभी मैं तुरंत जिला पदाधिकारी के साथ सीतामढ़ी जिला के 17 प्रखंड के मुख्यमंत्री हर घर नल का जल और पक्की गली नाली योजनाओं की समीक्षा करूंगा। उस समीक्षा के बाद कार्य को गति लाया जाएगा और इसमें जहां भी जो कोई अपने दायित्व के निर्वहन में शिथिलता बरतने का दोषी पाए गए, वैसे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सब पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को जो वार्ता हुई है उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और मुझे आशा है कि माननीय पंचायती राज मंत्री के आने के बाद सीतामढ़ी के विकास की गति में तेजी आएगी। कार्य मुख्यमंत्री जी के लक्ष्य के अनुसार पूरा हो ऐसा भरोसा है और जिला पदाधिकारी से भी हम लोग 3-4 रोज पूर्व में मिले हैं, जिला वार्ड सदस्य महासंघ का शिष्टमंडल, और जिला पदाधिकारी को मैंने जिला के 17 प्रखंड के एक एक वार्ड के बारे में स्थिति से अवगत करा दिया है। जिला पदाधिकारी ने भी कल समीक्षा बैठक सराहनीय चल रहा है, हम आशा करते हैं कि जिला पदाधिकारी जिले में किसान प्रकोष्ठ की बैठक रालोसपा ने किया है और मैं प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा किसान प्रकोष्ठ के इस बैठक का मेन उद्देश्य था कि हम किसानों के खेती में जो मजदूर लगते हैं उस मजदूरों का भुगतान मनरेगा योजना से जोड़ने के लिए हम लोगों ने सरकार को प्रस्ताव दे रहे हैं। दूसरी है कि केसीसी से किसान का खाता एनपीए हो रहा है, वो एनपीए नहीं हो इसके लिए सरकार को हम लोगों ने एक सुझाव देने के लिए प्रस्ताव लिया है
केसीसी खाता का नवीकरण सिर्फ ब्याज का रुपया लेकर बैंक करे, ऐसा भारत सरकार एक सर्कुलर जारी कर दे और प्रत्येक पंचायत में मंडी हाउस की स्थापना हो जाए। ये हम लोगों ने आज के निर्णय लिया है। और दूसरा, यहाँ चीनी मिल का भुगतान रीगा का पिछले 2 वर्षों से किसान का भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए अविलंब हम लोग सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर देने जा रहे हैं कि यहाँ के चीनी मिल किसानों का जो भुगतान बकाया है उसको अविलंब सरकार भुगतान कर दे और अगले वित्तीय वर्ष से एकदम हाथों हाथ नकदी फसल के रूप में इसको भी शामिल किया जाए गन्ना किसानों। ये मूल है। आज जो सीतामढ़ी जिले के किसान प्रकोष्ठ की बैठक हुई है, बैठक में सीतामढ़ी से जिले हुए किसानों की जो समस्या है, चाहे गन्ना किसानों का भुगतान का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, बिजली का मामला हो, मजदूरी का मामला हो, और सभी योजनाओं को संचालित करने के लिए सभी किसान को शिक्षित होना जरूरी है, सभी परिवार को शिक्षा मिलना जरूरी है। और हमारे किसान भाई हर तरह से मारे जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अखबार, मीडिया और सम्मेलनों के माध्यम से लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम किसानी ठीक से नहीं कर पाए। और किसान के लिए हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार जो भी योजना दे रही है उस योजना को ठीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं। किसानों की सब्सिडी किस योजना में है, किसानों को सब्सिडी कहाँ से मिलना चाहिए, किसानों को समय पर खाद बीज कब मिलेगा, उसके लिए आवेदन कहाँ देना चाहिए, यह शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आंदोलन है। पिछले महीनों में दिल्ली में 20 तारीख को और इस पिछले दिनों 5 जून को पटना के कृष्ण बरियल हॉल में कॉलेजियम सिस्टम के व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल दरवाजा जो कार्यक्रम है, जो एक तरफ बिहार में किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, रिक्शा चलाने काबला का बेटा हो या चाय बेचने वाला का बेटा हो, वो उनका बेटा IAS IPS बनता है। लेकिन आपने कभी सुना है किसी ब्राह्मण का सवर्ण का बेटा तो गरीब परिवार से उसका बेटा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बना हो? ऐसा नहीं है। तो 5 सदस्यीय जज का टीम कुछ लोगों को चयन करके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं। हमारी मांग है कि ये कॉलेजियम सिस्टम बंद हो और IAS IPS के तरह न्यायिक सेवा का गठन हो, और ये अगर जब गठन हो जाएगा तब जैसे चाय बेचने वाला का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है या मछली मारने वाले का बेटा एक नदी किनारे बैठकर, समुद्र किनारे बैठकर पढ़कर देश का वैज्ञानिक और देश के प्रथम पद राष्ट्रपति को सुजोभित करता हो कलाम साहब जैसे व्यक्ति, वो अगर बन सकता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जज क्यों नहीं बन सकता है? तो ये हमारे पार्टी का बात है। किसानों, नौजवानों की समस्या, शिक्षा का सुधार और कॉलेजियम सिस्टम के बदलाव पर हमारी पार्टी आंदोलन करेगी और लगातार सीतामढ़ी में हम लोग चाहते हैं या बिहार के अन्य राज्यों में जिलों में भी हम लोग इस आंदोलन चलाएंगे। यहाँ हम लोग पंचायती राज विभाग के द्वारा जो संचालित है मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में नल का जल और गली नाली का पक्कीकरण, उसी के संबंध में यहाँ के सभी DDO के साथ और DM के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की है और यहाँ के वार्ड क्रियान्वयन के जो पदाधिकारी लोग आए हमसे मिलने के लिए, सभी लोगों ने निकलकर पदाधिकारी के खिलाफ, अपने मुखिया के खिलाफ आवेदन दिया, जिसकी समीक्षा हमने सभी पदाधिकारी के साथ की है। और ऐसा लगा कि यहाँ जो योजना चल रहा है सरकार का पंचायती राज का, जिसमें कोई पदाधिकारी उसका मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है, सारे पदाधिकारी और पंचायत के मुखिया सिर्फ लूट खसोट में लगे हुए हैं। इसका अभी एक एक आवेदन पर मैं DM साहब और BDO साहब के साथ बात हुई, DM साहब स्वीकार किए कि हाँ अनियमता है,
अब जो आप आए हैं, समस्या किए हैं, तो हमें भी सारी बात की जानकारी मिली। सभी वीडियो को यह आदेश दिया गया है डीएम साहब के द्वारा कि इस तरह का अनियमता करने वाले जो लोग हैं मुखिया, उस पर अविलंब 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करें और उन्हें जेल भेजें। और हमारे द्वारा भी वही निर्देश दिया गया है कि जो भी पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का गलत कार्य किया जा रहा है, उसे हम भी जेल भेजेंगे। सर, संविधान के महान पर्व पर कल हमें भी आपके यहाँ कहाँ से गए थे हम लोग, रंजू गीता जी के क्षेत्र में वो हमें आमंत्रित किया था, और ढेर सारे रमजान पर्व करने वाले भाई लोगों के साथ भेंट हुई, मुलाकात हुई, उन लोगों के साथ बैठकर हम लोग भी बहुत बेहतरीन खाना खाए, और सभी रोजेदार भाइयों को हृदय से धन्यवाद दिए। नमस्कार, ये सद्भावना टीवी चैनल है। आज हम आपको ले चल रहे हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ पर लोको चालक यानी ट्रेन चालक अपनी समस्या बता रहे हैं। आइए देखते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कि जनाधिकार कार्यक्रम का क्या कार्यक्रम हुआ है। इस संदर्भ में हम स्टेशन मास्टर से हम आप पूछ करके हम आपको बताएंगे। नमस्कार। हाँ सर, ये आज जनाधिकार पार्टी का भी प्रदर्शन हुआ है। कहना चाहता हूँ, स्वच्छता के नाम पर तो भारत सरकार घूम फिर रही है। हम खुले तौर पर कह रहे हैं कि जितने भी रनिंग रूम है या जितने भी स्टेशन के लैट्रिन हैं, ये है, उन सबसे सुपरवाइजिंग कराया जाए और देखिए क्या स्थिति है। कभी फेनाइल तक नहीं मारा जाता है, कभी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, बेड चादर की सफाई व्यवस्था नहीं होती है, और इस स्थिति में हम लोग को पायलट को कार्य करना पड़ता है। ये मैं स्टेटमेंट समस्तीपुर डिवीजन में पूर्व मध्य रेल में दे रहा हूँ, समझे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेल मंत्री, माननीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रूहानी साहब के पास पहुंचा जाए, ताकि हम रनिंग कर्मचारियों की जो दुर्दशा है उन्हें देखकर इन्हें सुधार करने की यथासंभव प्रयास किया जाए। धन्यवाद। रूम के लिए अलर्ट किया गया, ठीक है जी सर। 3 रनिंग रूम में यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं। खाने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, सिर्फ या बेड और तकिया दे दिया जाता है, उस पर भी बिठाने वाला नहीं है। क्रू हमारा जो ड्यूटी रात में 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा करके आता है, वो खुद बिछावन बिछाता है, और वरीय पदाधिकारी की इसकी सूचना भी दे जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जैसे रहना है, जैसे तुमको काम करना है करो, माल जाल की जिंदगी जियो, जैसे जीना है जियो, और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। यहाँ पर एक अगर आरओ की भी व्यवस्था लगी होती तो हमारा लोगों पहले इस गर्मी में पानी पीता, लेकिन हम लोग को पानी पीने के लिए बाहर एक टंकी का पानी है वहाँ पी लीजिए, नहीं तो वहाँ पर से एक सेकेंड पानी हम लोग खरीद के लाते हैं। अगर वो दुकान बंद रहता है तो वैसी परिस्थिति में हम लोग को नल का पानी पीना पड़ता है। ये हमारी समस्या है, इससे हमारे लोग को पायलट पीलिया जैसे गंभीर बीमारी की समस्याओं से ग्रसित हुए हैं, जिसका उदाहरण मैं पुनः आपको कह रहा हूँ कि सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल भी है, सदर हॉस्पिटल में भी है। एक रूम और भी है, आप नहीं है, कोई भी आदमी बर्तन चला रहता है, इसको मतलब किसी भी प्रकार का कोई चट्टी इसमें प्रोविजन नहीं किया गया है। पूर्ण बताना ये चाह रहा हूँ, यह रनिंग जो लोग को पायलट को पूर्ण विश्राम दिया जाता है, मतलब कि वो 8 घंटा पूर्ण रूप से सोए, लेकिन यहाँ पर स्टेशन पर देने से गाड़ी जब क्रॉस करती है तो हॉर्न मारती है, कूप आवाज होती है, वाइब्रेट होता है, प्लस पैसेंजर के द्वारा गेट को अनावश्यक उसे ढकढका दिया जाता है, जिससे हम लोग का नींद टूट जाता है, और नींद टूटने के कारण हम लोग पूर्ण विश्राम नहीं कर पाते हैं। और वैसे अपूर्ण विश्राम में हमें गाड़ी काम करने के लिए दबाव डाला जाता है और हमें गाड़ी करवाया जाता है, और मैं बता रहा हूँ कि कभी भी दुर्घटना इसकी हो सकती है, और प्रशासन अभी तक विगत 7 साल से यह रनिंग चल रहा है रेस्टरूम, और प्रशासन ने कोई सुध नहीं दिया। टीवी चैनल में आपका स्वागत है। हम आज ले चल रहे हैं आपको गोइंटा कॉलेज, जहां पर सूर्य विकास समिति के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया है, जिला सम्मेलन आयोजित किया गया है।
आइए देखते हैं कार्यक्रम। राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर एक दूसरा राज्य सरकार ने मंडलों को पूरी जाति को अब तक अनुसूची फंड में इलेक्टर बोर्ड में शामिल नहीं किया, जिसके चलते हमारा आर्थिक और शैक्षणिक विकास रुका हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट है कि हम अपने पूरी जाति को जब तक राज्य सरकार है अनेकता वन में शामिल करा नहीं देते तब तक संघर्ष करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, हमारी हमारे जनसंख्या के अनुपात में जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी तब तक हम चैन से प्रयास करते रहेंगे। सर, क्या आप आने वाला समय समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है कि अब तक हमें बिहार में वह हिस्सा नहीं मिला चुनावी राजनीति हम हथियार हैं, तो हम वही जाएंगे जो हमारे जनसंख्या के पास में हिस्सेदारी मुकम्मल मधुबनी बीजेपी जब तक आपके समाज आज राजनीतिक और सामाजिक रूप से आज हम लोग अतीत काल में है, हम लोग जो मिलना नहीं आरक्षण आज तक कोई भी राज्य सरकार हम लोग को आरक्षण नहीं दी है, और साथ ही साथ राजनीतिक भागीदारी जो हमारी जिसकी हिस्सेदारी जिसकी भागीदारी है चाहे जो भी राजनीतिक दल इसे समाज के सम्मेलन के माध्यम से आने वाले समय में गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे और वहाँ से राजनीतिक हुंकार उठेगा, उसमें हम लोग अपना अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। आप देखेंगे इसमें युवाओं का प्रतिशत बहुत ही बेहतर रही है। आने वाला समय एक बहुत बड़ा करवट बनने वाला है, तो हम अपने युवाओं का आह्वान और प्रकार के सूर्य को हम से शक्ति था जिलाधारी बाबू हमारे सूर्य है, सारे सूर्य मिलकर उनको बिताने का सीताराम महतो सूर्य थे, हमारे सारे सूर्य ने मिलकर को जुटाने का। आज हम सूर्य के क्षेत्र को खत्म कर देते हैं, हरिजन क्षेत्र बना देते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इसको पहले आप लोग समझिए और ये समझाइए लंबी चौड़ी बात के हमें से नेताओं से बहुत में और भ्रम में मत भरिए। नेता भ्रम फैलाते हैं, चाहे जो भी हो, सुमन जी हो, रेवा जी हो, केदारनाथ हो, ये वोट के भिखमंगे होते हैं। वोट के लिए पार्टी का दलाली और जात के सामने हाथ जोड़ करके दुहाई भागते हैं। हम अगर किसी को अगर हाजिर और सारे लोगों ने कहा जो भी नहीं
कभी कहीं यहाँ से पूर्वे है और वैशाली जिले से अध्यक्ष और मतलब हाजीपुर से अशोक गुप्ता जी है ये चार आदमी पूरे बिहार में सूरी का अलग जगह में चले हैं और इसलिए अलग जगह रहे जैसे कमेटी है दूसरी शक्ति हमारी है और तीसरी शक्ति हमारी है और हमारा जो संख्या है उसको कोऑर्डिनेट करके उसके भर पर हम सत्ता में जारी होना चाहते हैं। हम बैच को अपने साथ जुटाना चाहते हैं। हमारे बैच से संख्या 22% है, आज 2%, 3%, 1.5% वाले लोग सत्ता पर काबिज है। हम लोग अपने तौर पर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मेरे कदमों में इसी क्रम में यहाँ सूर्य का जन सैलाब उतरा हुआ और इसको हम आगे सुबह में बढ़ाते चलेंगे इसी विश्वास के मेरे कॉलेज में 2800 छात्र आज भी टॉपर होकर के निकलते हैं। घर से भगवान का कृपा भगवान के चलते नहीं है, पंच परमेश्वर होता है और आप लोग भगवान के रूप में बैठे हैं। आप जिसको चाहिएगा वो नेता बन जाएगा, आप जिसको नहीं चाहिएगा सुसंगठित होकर के शिक्षित बने राजनीति समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। भी हमारा अधिकार बनता है कि हम अपनी अपने को साधित करने के लिए भारत लाभ लेने के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करें। लेकिन दुख तब होता है हम अपने अधिकार की बात करते हैं लेकिन हम अपने कर्तव्य से भी मुक्त हो जाते हैं। हम जब तक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तब तक हम अपने अधिकार के लिए आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं। श्याम सुंदर प्रसाद महामंत्री अपनी बात को संबोधित कहा गया है कि अभी वर्तमान दौर में जब वैश्य संगठन एक था तो हमारे उनका पसंद नहीं आए, उन्होंने जातियों को अति पिछड़ा वर्ग था। यहाँ से वैश्य संगठन का जो एक रूपता था उसमें लेकिन सिनेमारी
अलावा कुछ नहीं रूप ले सकता है जब हमारे सारे अंगों का विकास समान रूप से हो। एक अंग अगर हमारा बीमार हो तो हम पूरे शरीर के विकास की लक्षला नहीं किया और सभी जिलाओं में इस तरह का सम्मेलन भी आयोजित करने पहला सम्मेलन हमको वैशाली जिला में हुआ, दूसरा जिला स्तरीय सम्मेलन यहाँ हुआ है सीतामढ़ी के क्षेत्र में और इसका स्वरूप रखा गया है कि अन्य जिला और मध्य प्रदेशों में जो हमारे संगठन है उनका प्रतिनिधि के माध्यम से हमारी जो राजनीतिक पहचान है उसको पाना चाहते हैं, हमारा जो खोया हुआ अधिकार है उसको पाना चाहते हैं और हम अपने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को भी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे गरीब गुरबा हमारे जाति में दुखिया है उनकी शादी नहीं हो रही है तो हम इस संगठन के माध्यम से उनकी शादी करना चाहते हैं। जो हमारे मेधावी छात्र हैं हमारे समाज के अगर वे निर्धन है करके हमारा जो छात्रावास है उसमें रखकर उनको शिक्षित करके अवसर प्रदान करना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक ब्यूरोक्रेट प्रशासन में IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिससे हमारे जाति का एक समग्र और सम्यक विकास। राजनीति बताया जाए, बताया जाए क्या कहना चाहते हैं सब लोग आए हैं जाते संख्या में बनाने वाले जैसे अवधेश जी, दशलेश जी, पूर्वे जी, हमारे जितने भी मंत्री थे, हमारे जो लोग ये लोग संगठन करता है और आप जो हमारे गार्जियन के रूप में जो पूर्व हुए जो वर्तमान में है करना है, हमको सिर्फ एहसास दिलाना है कि हम भी कुछ कम नहीं, हम में दम है तो किसी में कम उससे ज्यादा हम में नहीं। इसलिए हम अपने दम को दिखाने के लिए, अपने युवाओं को आगे लाने के लिए, हम पढ़ाई में, अपने व्यवसाय में, अपने आगे भविष्य में जो चीज में जो बढ़ेगा उसी हमें सहयोग देना है। जाति का मतलब यही होता है, हमारा जात का आदमी उस महिला में अगर कुछ हो गया है नहीं अगर पीट सकते हैं जी। हम तो सर बात कह रहे हैं पचहत्तर कोई बचपन जब आ गए हैं हाँ, उसके बाद लोग किचन के सामने जा करके किया जी सर। कितने लोग थे भाई? 50 में गया सब था। और कौन पार्टी के पार्टी मांग क्या करें? अब तो आपको पर हम आयोजित कर रहे हैं ऐसा एक कंफ्लिक्ट में देखा है, लेकिन मुझे स्मरण है यही टीम जो आज काम कर रही है इस जिले में 2000 अवधि में लोगों को आमंत्रित किया था और बड़े कठोर और सामूहिक निर्णय हमने लिया था और उस निर्णय से हमारी एकजुटता भी परिलक्षित हुई थी। आज पुनः सभी स्वजातीय बंधु सूर्य वंश के सारे लोग इस बात पर चिंतन करने के लिए बैठे हैं कि क्या हम आगे भी शोषित होते रहेंगे, नैतिक रूप से पिछले रहेंगे। चल रहे हैं कृषि सलाहकार का धरना की ओर, जो कृषि कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे हैं। आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम मैं ब्रजभूषण झा, किसान सलाहकार जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी। हम लोग बहुत दिनों से, लगभग 4 वर्षों से VLW के फाइल की तैयारी करवाए हुए हैं, जिसकी कैबिनेट सरकार के द्वारा नहीं की जा रही। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं किसान सलाहकार ही उसे फलीभूत करते आ रहे हैं, जिसके वजह से सरकार को 4-4 बार आपको कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। ये कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और सतही स्थलों पर जो वार्तालापे होती है, सतही स्तर पर जो किसानों से वार्तालाप आज तक हो रही है वो किसान सलाहकार की ही देन है। आज किसानों के पास जो भी 2 पैसे की आमदनी पहुंच रही है या उनके घर तक राशि पहुंच रही है उसका पूर्ण रूपेण देन है किसान सलाहकार। आज किसान सलाहकारों को 4 वर्षों से सलाहकार
फटकार रही है। VLW के फाइल में आपको मंत्री, वित्त सचिव, विभागीय जितने भी बड़ी पदाधिकारी होते हैं, एडवोकेट जनरल, उनका भी स्वीकृति हो चुका है जो वेटेज देते हुए इन लोगों को VLW के पद पर नियुक्त किया जाए, समायोजन किया जाए वैकेंसी निकाल कर। लेकिन बिहार सरकार, ये इतनी अंधी सरकार है जो लगातार इनकी सरकार बनते जा रही है, जिसके वजह से या किसी भी स्टाफ को मान सम्मान देना भूल गए हैं। इनकी इच्छा रहती है कि पूरे भारतवर्ष में बिहार का एक व्यंजन अवश्य जाए, जिसको भी हम लोगों ने फलीभूत किया। विश्वास तो आज हमें भी मुख्यमंत्री जी पर ही है, लेकिन उनसे आग्रह है कि अविलंब हमारे काम को देखते हुए VLW बनावे, ताकि हम लोग का भी भविष्य सुधर सके और बच्चे अच्छे ढंग से खाना खा सके, अच्छे ढंग से रह सके। ये क्षमता है जो पूरे बिहार के पंचायत लेवल से सरकार को उखाड़ कर भी हम फेंक दे सकते हैं, ये हमें क्षमता है। आने वाले समय में हम प्रतीक्षा करते रहेंगे, जो हमारा जीवन नीतीश जी दिए हैं वो हमें पूरा कर दें, हमें सरकारी सेवक घोषित कर दें, अन्यथा की स्थिति में हम इनके विरोध में पूरे बिहार के सारे किसान सलाहकार चले जाएंगे। और हम पंचायत वाइज में मेरी पकड़ है पूरे बिहार में, हम जमीनी लोगों से संपर्क में रहते हैं और उनके सारे क्रियाकलाप को आज तक बताते आ रहे हैं। अगर हमें नहीं सफलता देंगे, हमें VLW नहीं बना पाएंगे, तो आज हम जितनी उनको बड़ाई करके उनको सत्ता पर बैठा रहे हैं, आज तब उसके बाद उनकी हिनाई करके हम सत्ता से पश्चित करने की कोशिश करेंगे। आदेश मिलने पर फिर हम सोमवार के दिन यहाँ चाह रहे हैं जो एक बैठक करें, और राज्य स्तरीय जब तय होगा राज्य में अन्य जगह कार्य करने का, तो उसके लिए फिर हम राज्य स्तर के लिए यहाँ से। यानी आज तक ही धरना है क्या? निश्चितकालीन है, प्रदेश के समय समय पर जगह जगह हम बदलते रहेंगे, कभी प्रखंड में होगा और आगे भी चलती रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होती। कभी हमारा उस प्रखंड में, कभी उस प्रखंड में, कभी जिला में, कभी DM साहब के कार्यालय के समक्ष, तो कभी हमारे जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष, ऐसे ही हम अपना कार्यक्रम को आगे। प्रतीक्षा में है कि हमारी मांगे शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो जाए। अगर शांतिपूर्ण ढंग से सरकार नहीं मानती है तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार रहते हैं, उसके बाद हम सरकार को हिला कर रख देंगे। सीतामढ़ी किसान सलाहकार संघ, उससे क्या है, हम सरकार से ये जानना क्या है, क्या है, कौन? मैं किसान सलाहकार कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। पद नहीं है, पद मैं नहीं लिया हूँ जिला से। हाँ, तो कहने का ये सेंस है कि हम लोग की बहाली विगत 8 वर्षों से हुई है, जिसमें सरकार हम लोग को मात्र 2500 रुपये मानदेय से रखा गया है हम लोगों को। महंगाई को देखते हुए समय समय पर हम लोग का भत्ता लगातार बढ़ते आ रहा है, सही बात को कटी, लेकिन महंगाई इतना चरम सीमा पर है, जो अभी हम लोग का जो मानदेय मिल रहा है, जिसमें सभी आदमी का घर परिवार नहीं चल रहा है, सभी का अभी मानदेय कितना मिला है? अभी मानदेय हम लोग का 12,000 है जी सर। और आप कितना मानदेय चाहते हैं? और हम लोग को VLW समान VLW पर समायोजन डायरेक्ट करें, क्योंकि जो काम किसान सलाहकार का है वही काम VLW और VEW का है, होता है। VLW साहब का कितना है उनका मानदेय लगभग? ₹70,000 उनको मिलता है, और जब समान काम पंचायत लेवल का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो किसान सलाहकार नहीं करते हैं, तो जब समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन तो कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय भी तो मिलना चाहिए। सही राय दिए हमारे ये संजय भाई बताए हैं कि समान काम समान वेतन हम लोग का मौलिक अधिकार है, मांगने का अधिकार है। विगत 8 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार हम लोग को ठगी कर रहे हैं। इसलिए हम तो हम लोग सरकार से आह्वान करते हैं, हम लोग का प्रदेश संघ आह्वान किया है कि हम लोग को पूर्णकालिक हो, समायोजन हो, VEW पर समायोजन हो और हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांग पूरी होने तक हम लोग की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। नाम बोलिए। लक्ष्मी कुमार मेरा नाम है, किसान सलाहकार है।
नहीं कहना है कि ये हम स्वयं नहीं बोल रहे हैं, बिहार सरकार के जितने भी अन्य विभागों के बड़े पदाधिकारी बड़ी पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे अंचल अधिकारी हो, या DDC हो, या जिला समाहर्ता महोदय हो, जिला का कोई भी विभाग हो, विकासात्मक जितने भी काम है उसमें किसान सलाहकारों का सबसे अधिक योगदान रहा है और रह रहा है। और हमें सभी बड़े पदाधिकारी विभाग के अन्य काम भी हमसे ही कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें टोटल जो है ISCAG ISC BSC BSCAG हैं, साइंस स्टूडेंट है, कार्य करने की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा है और सौ समय यह बहुत अच्छे ढंग से काम को करके सरकार के बीच में सीतामढ़ी जिला का नाम भी आज तक रोशन किया है। और जब से सलाहकार की बहाली हुई है पूरे बिहार का विकास होते जा रहा है, इस पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना हम चाहेंगे ताकि ये सब देख करके हमें PLW अविलंब बनाने की कृपा करें। जी जी, मैं विमल कुमार किसान सलाहकार पूरा प्रखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूँ किसान सलाहकार की ओर से कि वो एक बिहार के अच्छे और साफ छवि के नेता के रूप में जाने जाते हैं और इस परिस्थिति में भी हमारे जो सलाहकार हैं अभी तक बहुत निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को करते हुए हमारी देश की आबादी 70% से अधिक है, इस परिस्थिति में भी हम कृषि को बहुत ऊपर उठने के लिए एक क्रांति के रूप में हम ला रहे हैं, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति जो उनकी मांग है, देश के हर जगह हर थाली में व्यंजन परोसा जाए जो उनकी इच्छा है उनको पूरा करने के लिए हम लोग मन से तन एकदम निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं और कि पंचायत के सभी किसानों से मिलकर सभी योजनाओं को आज तक सफल बनाते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी आज तक हम लोगों को क्या मिला है, थोड़ी पैसा बढ़ा दी जाती है। जब हम VW विलेज एक्सटेंशन वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग भी हुई थी, उसमें कहा गया था कि आप एक्सटेंशन वर्कर हैं। इससे पहले कृषि विज्ञान केंद्र बलहा में 3 माह की जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें भी हमको हमारे ट्रेनर के द्वारा कहा जाता था कि यू आर ऑलरेडी एक्सटेंशन वर्कर। जब हम एक्सटेंशन वर्कर हैं और जब वह पोस्ट बनता है तो उस पोस्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चाहूँगा कि इसमें क्या परिस्थिति है, क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, हमारे अधिकार को क्यों नहीं दे रहे हैं। और मैं यदि हम तो उनसे एक साफ सभी के अच्छे नेता माने जाते हैं, मैं उनसे मांग करता हूं, बार बार मांग करूंगा, यदि भी अगर वो नहीं देंगे तो अंततः हम उठकर सभी किसान सलाहकार पंचायत वाई घूमकर उनकी छवि को कहेंगे कि ठीक है अच्छी छवि के नेता है, फिर भी हमारा न्याय मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और न्याय के लिए मैं सभी पंचायत वाई घूमकर उनको हम यह कहना चाहेंगे कि हमारी मांग को पूरा कर दे, हम उन लोग को बाध्य न करे, हमारे लिए वो सोचे, हम तो उनकी हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए व्यंजन को हर जो इनकी इच्छा है और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए हर तरफ से हम सभी किसान सलाहकार तत्पर हैं और भविष्य में हम करते रहेंगे, लेकिन हमें न्याय मिलेगी तब, यदि नहीं मिलेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे और तभी पंचायत बाई पंचायत जाकर आंदोलन करेंगे और हम अपने न्याय के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इंकलाब इंकलाब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 70 लीजिए, हम ना की अवतार पहले तोरे की चाहिए हड़ताल में, यहाँ भिजवाई ये फोटो है नहीं है वहाँ मैं बहुत सारे टूट गए ना टीवी चैनल आपका स्वागत। आज मां को ले चल रहे हैं राजद का कार्यक्रम जो डॉक्टर रामचंद्र सुखदेव पूर्व मंत्री बिहार सरकार एवं वर्तमान MLP तथा प्रदेश अध्यक्ष राजद राष्ट्रीय जनता दल के भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया है और इस अवसर पर दावत इफ्तार श्री सीताराम यादव के द्वारा किया गया है। आइए हम देखते हैं इसका नाम। केला ऊपर जाके चला जाता था काल नहीं, उसको एक निर्णय लेना पड़ेगा। तो आज क्या है, अगर आप तीनों का सीख लिए कर दिया आपको जो है कि तीनों का क्या नंबर आया तो आपको कहेगा कि आप फेल हो गए, आपने जिंदगी में पढ़ा था। इससे चमत्कारी करके ये सरकार हमारी विचारधारा को खंडित कर रहा है। यही नहीं मेरे भाई,
आज के डेट में निश्चित रूप से हमें लड़ने की जरूरत है। शिडुल कास्ट आपके इंतजार कर रहा है। शिडुल कास्ट के लोग पूरे शक्ति के साथ राष्ट्रीय जनता दल को अपना जो है लड़ाकू विमान समझ रखा है उसे इस तरीके की स्थिति बन गई है। और आप सुशासन की बात करते हैं कि सुशासन की विभिन्न प्रखंड और किसी पंचायतों से यहाँ आने का काम किया और हमारे नेताओं को सुनने का काम किया। बाकी जो नेता हमारे किए हैं आप सुनेंगे। मैं इस धरती पर कोई भी आपका स्नेह इसलिए चुना हुआ है और उसके साथ ही हमारे डॉक्टर राम चंद्रपुर से वो मैं पहले हाथी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और लालू यादव को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर रामचंद्रपुर से को MLA बनाने का काम किया। रामचंद्रपुर से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप ही बन सकते हैं। कर पूरी कीजिए आपके जरिए लालू प्रसाद को लाना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, लगातार आप तमाम साथियों ने सरदार मुखिया से प्रमुख बना सब MLA बने और MLA के बाद दो बार क्योंकि आप तमाम लोगों का स्वागत हमारे साथ जुड़ा हुआ था। जब मैं इस धरती पर जहाँ मौजूद है उस समय खुपरी विधानसभा था जहाँ से मैं ठीक बार MLA हुआ और पहली बार ही जहाँ पर बैठे हुए आप हैं और माता और दोनों को लोग बनाने का काम किया जिस समय मैं MLA हूँ और पांच वर्षों तक जब हमने पीछा विभिन्न योजनाओं का जमीन पर लालू यादव के नेतृत्व में लाने का काम किया। लेकिन हम अपने आप को अपने लालू यादव के बात को गांव तक नहीं पहुंचाइए सभी कार्यों का। पहले इसीलिए विषय नहीं कहा था कि विषय होगा तो मैं कभी आपसे आगे बात करूंगा। अंत में एक बात का घर में बैठना चाहता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी है कोई मामूली नहीं है। वो 2000 वर्षों से हिंदू धर्म के अंदर संघर्ष रहा है। नरमपंथी उदारवादी और कट्टरपंथी पार्टियों के बीच में और हिंदू धर्म के भीतर उन्होंने गुलाम उनको बना रहा था। मानसिक रूप से दासता प्रताड़ना को उन्हें धर्म में बना दिया। लड़ाई चली, वर्ण व्यवस्था में उनका आज भी विश्वास है। आज भी वर्ण की व्यवस्था में विश्वास है। कहता तो हिंदू और में हिंसा भी कहते हैं राष्ट्रीय संसद का गोलमंडल से लेकर अभी तक ये अवधारणा चली आ रही है। तो हिंदू हम हैं लेकिन अम्बेडकर की प्रतिमा सबसे जैसे तोड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और दूसरे तरफ अम्बेडकर पर माला चढ़ा जा रहा है। ये भ्रम की स्थिति, इसको समझिए कि मामूली पार्टी नहीं है। ये संसदीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, संविधान को बदलना चाहता है और पहले वो नारा देगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म अध्यक्षीय प्रणाली ताकि एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के भाई नरेंद्र मोदी कोई कभी राष्ट्रपति बने तो संविधान बदल दे क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत ताकत होती है प्रदेश में जीतने या दूसरे जिलों के। ये षड्यंत्र है, इसीलिए आपको चुनौती स्वीकार करना होगा। और बूथ कमेटी के लिए हमारे नेता लालू यादव जी ने 3 साल पहले ऐलान किया था, जताया था कि आप बूथ पर जाइए। बूथ पर अगर आप नहीं जाएंगे तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक का आदमी पहुंच गया है पूला में। कोई बजरंग दल के नाम से, कोई शिक्षा के निकाय खोलने के नाम से, कोई विष्णु परिषद के नाम से, कोई हिंदू युवा वाहिनी के नाम से गाँव और टोला टोला पहुंच गए हैं। आप बूथ तक नहीं पहुंचे, इसीलिए आपको ये निर्णय लेना होगा। चुनाव जीतना लक्ष्य ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है और मुकाबला करना है तो जो लोग हमको धोखा दिया है नेता है चाहे गुरी ठाकुर की सरकार गिरा दी गई बनाया होगा इसी से आदमी हम बहुत उदाहरण करते हैं रामचंद्र दास जी को। लेकिन कहा कि अगर पुलिस हम गए तो आ रहे उसके नीचे किसी भी का
क्योंकि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था सरकार की सीढ़ियाँ हैं, घर को ले जाकर देते हैं, घर को ही ठाकुर रहा है तो ये जमा उसी तरह लालू यादव के खिलाफ से जो आंदोलन चलाया, कई तरह का छल किया, प्रबंध किया, सरकार को गिराया, जेल भिजवाया और कहा कि पिछड़ा के पेशा को हमने मुख्यमंत्री बनाया, कैसा गुजरात के रास्ता घोषा देकर चला गया बीजेपी के मोद में। इसलिए बड़ी चुनौती है, इन्हीं बातों के साथ मैं शिवानंद तिवारी जी बोले, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे के जो इशिला के मूल निवासी है, यही के धरती पुत्र है, डॉक्टर बोलेंगे हमारे अध्यक्ष भी प्रदेश के इस हैसियत से आपने अभिनंदन किया है, तिवारी जी बोलेंगे इन्हीं बातों के साथ आगे कभी आप बुलाएगा तो मैं निश्चा के किसी प्रचंड विजय पर आपसे बात करूंगा। बहुत लेकिन उसका नतीजा जो है अभी तक भारत सरकार ने प्रकाशित नहीं किया, तो इतनी बड़ी जांच है। भारत लोग कहते हैं कोई 10% है, कोई 15% है, कोई 16% है, ऊंची जातियां बिहार में कुल मिलाकर 15% के नीचे हैं और ज्यादा वो अकेले जो है वो 15% के लगभग, तो स्वाभाविक है दिखाई देता है वो ज्यादा, इसलिए लोगों को लगता है कि राज्य यादव की पार्टी नहीं है, सबकी बात। एक चीज जरूर जो यादव समाज के कार्यकर्ता हमारे पार्टी के हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्यों ध्यान रखना चाहिए, आपके पार्टी के नेता है लालू यादव, आपके पार्टी के युवा नेता है जिनको आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, तो आपका मुख्यमंत्री बनने वाला है आपके जाति का, पूर्वी जी के जाति का नहीं, मेरे जाति का नहीं, आपका ये दायित्व होता है कि बाकी जो जातियां हैं जो एक समय 90, 91, 92 में आपके साथ वोट करती थी और किन्हीं कारणों से आपसे अलग हो गई, उनको आप जोड़िए, ये यादव समाज के कार्यकर्ताओं के ऊपर मैंने ज्यादा जवाब नहीं है, क्योंकि आप अपने बिरादरी का जो आप अपने बिरादरी का नेता है, उसका जिंदाबाद बाकी लोग लगा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखा है। सब जो है ये मत समझिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत आसान काम नहीं है कि 2019 जो है नरेंद्र मोदी के सरकार को परास्त कर दीजिएगा, आसान काम नहीं है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जब तक दिल्ली से नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं जाएगी तब तक लालू यादव को राहत मिलने वाला नहीं है, जो पूरा परिवार जब फंसा हुआ दिखाई दे रहा है वो उसको उसी समय राहत मिलेगी जब 2019 जो है लालू नरेंद्र मोदी की सरकार जो है बीजेपी की है, पूरा माहौल बदल जाएगा देश का, पूरी मानसिकता जो बदल जाएगी, आज जो माहौल और मानसिकता दिखाई दे रहा हर क्षेत्र में न्यायपालिका से लेकर के मीडिया तक में वो सारा माहौल जो है बदल जाएगा, तो इसलिए ध्यान में रखिए अगर सचमुच आप दिल से मैंने लालू यादव की इज्जत करते हैं और आपके मन में यह संकल्प है कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाए तो आपके ऊपर ज्यादा जवाब नहीं है, आप जो बगैर ये चिंता किए हुए कि पूर्व जी देख रहे हैं कि नहीं, सीताराम यादव देख रहे हैं कि नहीं, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, आप अगले चुनाव तक लग के अपने साथ लोगों को जोड़िए और कहिए कि भाई सामाजिक न्याय की सरकार इसके बारे में थी, आज हमारे प्रतिकूल सरकार आ गई है, अगर फिर से गरीबों की सरकार बनानी है, फिर से सामाजिक न्याय की सरकार बनानी है तो पुराना जो हमारा राग था, पुराना जो हमारा जमावड़ा था, हम सब लोग एक साथ उठे, ये हमेशा था। मैं उन साथियों को जिन लोगों ने शिकायत किया कि और जात के लोग नहीं हैं उनसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आज के पूरे जिला सम्मेलन में महिला कहाँ है भाई, दो महिलाएं मंच पर है, सामने सही कोई महिला नहीं, कैसे अच्छी मारोड़ी है, आधी या आधी आज के जिला सम्मेलन में वो गायब है, उसका प्रति बात को एकदम समझ नहीं, वोट का राज लालू यादव कभी कभी पहले कहते थे वोट का राज मैंने वोट का राज, वोट का राज का क्या मतलब कि हमारे यहाँ जो समाज व्यवस्था है हिंदू समाज व्यवस्था है वो उसमें वोटों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, जिसको पिछड़ा माना जाता है, दलित माना जाता है, और जिसकी संख्या ज्यादा है राज लोकतंत्र में उसी का होता है,
इसलिए वो कर सकते, ये समझ लीजिए इनको बराबरी में नहीं हुई। अब देखिए अभी श्री सुंदर का रहे थे आपको गरीब लोगों के सवाल के बारे में, अभी आपने देखा होगा 2 अप्रैल को दलित और आदिवासियों का भारत बंद हुआ और टेलीविजन में आपने देखा होगा कितने हिस्से में लोग थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह राजगढ़ी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वही जगह है जहां अभी मैंने तबस्सुम जीती है करैना से, वही इलाका है 2013 में वहां दंगा हुआ मुजफ्फरनगर और दंगे के बाद जो एक पुराना इतिहास था चरण सिंह उसी इलाके में पैदा हुए थे, चरण सिंह के समय जाट और मुसलमान एक साथ वोट करते थे, लेकिन इन लोगों ने साजिश करके 2000 में कहा कि व्यक्ति के बिना सिद्धांत आदमा के बहुत बड़ी बात है सिद्धांत का, ये जो गए तो रिया जी के बैंक पार्लियामेंट में मधुरी में गए रामसेवक हजारी गए और हमारे बड़े भारी लड़ाकू नेता चंद्रयान जी गए, इन लोगों को लगता था कि भाषण करेंगे चौदह के तरह तो पार्लियामेंट को फाट देंगे, लेकिन भाषण इन लोगों का होता था और अखबार में थोड़ा सा था, तब लोहिया जी के दिमाग में आया कि सिद्धांत दैट इज नेसेसरी कंडीशन, लेकिन सफिशियंट कंडीशन क्या है व्यक्ति सिद्धांत के साथ उतना चाहिए, इसलिए कैजोलॉजी निकला कि नीति के बिना व्यक्ति बेकार और व्यक्ति के बिना नीति बेकार, यानी पार्लियामेंट में हमारा बहुमत नहीं होगा तो हम व्यक्ति को वहां चला सकते हैं, इसलिए पार्लियामेंट में हमारे बहुमत हो इसलिए व्यक्ति को जोड़ने का काम किया, अन्य लोगों को भी हम तेजस्वी यादव जी और लालू यादव को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारे पिछड़े हुए साथी थे जो हमारे इधर उधर भटक गए थे तेजस्वी जी और लालू जी का निर्देश है उन सभी साथियों को पार्टी में जोड़िए, 2019 का जो चुनाव है वो सरकार चुनाव नहीं है, उसी चुनाव में हम हार गए थे, एक सौ कुछ कैप्चर हो गया था और 2 जगह हम पूरी तरह से पराजित हुए शिवहर में और मेजरगंज में, जब हमने एनालिसिस किया कि शिवहर में 100 पराजित हुए सोशलिस्ट लीडर वहां था, लेकिन सोशलिस्ट लीडर आर्थिक समानता के लिए लड़ाई कर रहा था, शिवहर के सोशलिस्ट लीडर सामाजिक समानता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, शिवहर और मेजरगंज में हम 30,000 से ज्यादा वोट इसलिए हारे कि वहां सामाजिक न्याय का कोई आंदोलन नहीं चला, वहां पर कोई सामाजिक न्याय का आंदोलन नहीं चला, पिछड़ों दलितों अकलियतों के सुसुप्त चेतना को वहां जागृत नहीं किया गया, लेकिन हमारे हारने के बाद एक साल तक मैं घूमता रहा जहां पर दलितों पिछड़ों को इनकलाब जिंदाबाद लगाने की नया गांव जहां पर कोई दलित और पिछड़ा इनकलाब जिंदाबाद नहीं लगा सकता था, लेकिन वहां पर लालू यादव का जिंदा लगाया, एक साल हम घूमते रहे क्षेत्र में गए सभी जगह, एक नवजागरण वहां पैदा हुआ, राजनीति में बदलाव आया और हम ही को टिकट मिलना था, लेकिन राजनीति का बदलता परिवेश कभी कभी राजनीति में समझौता करना पड़ता है, तो हुआ कि भाई राजनीति में जात को भी जोड़ना पड़ता है और कभी कभी वो ऐसे जात को भी जोड़ना पड़ता है, वैसे जात के नेता को भी जाना पड़ता है जिसके द्वारा उस जात का वोट मिले, यही राजनीति की रणनीति है कूटनीति है, तो हुआ कि आनंद मोहन को पार्टी में लाया, अब कौन लाए कौन आनंद मोहन पार्टी में, अब वो लोग बड़े नेता हैं सीधे पार्टी में नहीं आते हैं, मुझे टिकट मिल जाए तो हुआ कि युवक ने टिकट दिया जाए, अब हो गया दिग्दर्शन मंडल जी नॉमिनेशन का दिन, लालू जी का फोन आया, हम कहे सर 100 आदमी हार जाए आने के बाद 3 लाख रुपये मेरा खर्च हुआ और आप बात है कि नॉमिनेशन में जाइए, तो लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ रामचंद्र, इट इज अ प्रेस्टीज ऑफ लालू प्रसाद यादव, आई एम बीइंग द लीडर ऑफ दिस पार्टी, आई ऑर्डर यू टू अटेंड द नॉमिनेशन मीटिंग, और हम गए और ईमानदारी के साथ हमने आनंद मोहन को जिताने का काम किया, मीटिंग किया, राजनीति में फायदा नहीं, रामचंद्र पूर्व ने राजनीति में कभी लोग लय नहीं किया, लोग लय नहीं किया, लोग लय नहीं किया।
मैं काम करने नहीं थे यहीं पर उपेंद्र और नाम यादव का टिकट फाइनल हो गया था और बाद में सिंबल मिल गया इंदर सिंह अभी चंद्रेश्वर प्रसाद यादव के पिताजी स्वर्गीय वो भी मैदान में आ गए। चंद्रेश्वर प्रसाद यादव के विषय में हमारी वाइफ कहती है कि बराबर एक हफ्ते रहते हैं और आप 12 बजे रहता है। हमने कहा कि सीताराम यादव 9 बजे पटना में, 9 बजे दिल्ली में, 12 बजे पटना में और शाम में खर्चा करते हैं सीतामढ़ी में। हमको लगता है कि जो चक्री होता है ना भाई वही इनके पैर में है। जब फल है सुबह शाम पानी को गति देने में लगे रहते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामना भी इनके प्रति है। लेकिन एक चीज में खाना था कैंडिडेट बनो लेकिन जिसको टिकट लालू यादव देते लालू यादव अपने दर्शन को ध्यान में रख करके उसको जिताने के लिए पूरी ताकत लगाओ। बाएं दाएं घूमने की जरूरत नहीं है। और ठीक शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि जो इस प्रस्तावना लालू प्रसाद यादव के परिवार में हो रहा है एक साथ ही सब चले एक ही है। ये लोग ऐसी दबाए यार भाजपा को हरा दीजिए बिहार से। न सिर्फ तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि लालू प्रसाद यादव पर जो झूठा केस है वह सभी के स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे हुए अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। हम आपको झंडा लगाने वाले हैं शिवाजी जी। मैंने फैमिली एकजुटता को भी आप समाप्त करने में लगे हुए हैं। शिवाजी जी हैं, मंतीलाल मंडल जी हैं, कृष्णचंद्र राम जी कभी कभी बेचारे कहना नहीं चाहते हैं। देश थे कला संस्कृति मंत्री के साथ कभी कभी अब कोशिश होता है कि आप सीने जगत के लोग मेरे साथ नहीं है। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बराबर मैं आपके बीच में रहता हूँ। अंत में नारा लगाइए लालू यादव जिंदाबाद, गांधी देवी जिंदाबाद, अपने फूफा पेटू है। ऐसे कर लो सबको आ जाते यहाँ से इधर आ जाए। क्या कर रहे हैं आपका परिचय क्या है जी? बोले आपका परिचय सोहन कुमार का जी साहब। क्या क्या है सर? आप सर आप कुछ नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यहाँ आप कार्यक्रम कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाईचारे अपने भाईचारे की आपसे सफाई था हम लोग। इसलिए हम ही लोग जितने भी हैं सब दुकानदार हैं, एक युवक है, एक मनसा हुआ है। बस हम लोग एक भाईचारगी नाता के कारण इस प्रोग्राम को रखे हैं और सब हम लोग एक दुकानदार एक बिजनेसमैन है। बस छोटा सा एक देश। आपका नाम? मोहम्मद मुजाहिद जी। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद आबिद। यहाँ देखिए। आपका? राकेश मिश्र। आपका? मेरा नाम रोहिणी कुमार। चैनल चलेगा ना तब भावना 8 बजे रात से दिखाएगा, ध्यान से दिखाना शुरू होगा। आज था लेकिन आज इधर का राज 1000 की ऊपर। हमारे मुखिया जी हैं बढ़िया टुला बढ़िया वहाँ दिला ना वहाँ से आओ ना
निपाह वायरस का कहर भले ही अभी दक्षिण भारतीय राज्यों में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके खौफ की दस्तक अब पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। खतरनाक निपाह वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और ये बेहद जल्द संपर्क में आने वाले लोगों को भी अपने संक्रमण में ले लेता है। आइए हम आपको बताते हैं आखिर किन चार तरीकों से आप खतरनाक निपाह वायरस से बच सकते हैं। पहला तरीका, फिलहाल बासी फलों से दूर रहें। जमीन पर पड़े हुए फलों का सेवन करना बेहद खतरनाक है। ताड़ के पेड़ से निकलने वाली ताड़ी से भी निपाह वायरस का खतरा काफी फैल रहा है, लिहाजा ताड़ और ताड़ के फल से भी दूर रहने में आपकी भलाई है। दूसरा तरीका, सार्वजनिक कुओं के पानी से बचें। कुओं के पानी भी निपाह वायरस के फैलने का एक बड़ा स्रोत माना जा रहा है। हालांकि अब शहरों में तो काफी कम कुएं देखने को मिलते हैं, लेकिन गांव में अब भी पानी निकालने के लिए कई जगहों पर कुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा तरीका, निपाह वायरस के संक्रमण में आए लोगों से बचें। मृत्यु के बाद भी निपाह वायरस फैलता रहता है, लिहाजा निपाह की वजह से हुई मौत के बाद भी शव से दूर ही रहना चाहिए। हालांकि परिवार के लिए शव का अंतिम संस्कार करना एक भावुक क्षण होता है, लेकिन निपाह के खतरे को देखते हुए इस वक्त इमोशन को काबू में कर निपाह से मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार सरकारी देखरेख में होने देना चाहिए। चौथा तरीका, निपाह वायरस के मुख्य स्रोत हैं चमगादड़, सुअर, कुत्ते और घोड़े। जानवरों में फैलने वाला निपाह वायरस जानवरों से मनुष्यों में भी फैल सकता है, लिहाजा जब तक निपाह का पक्का इलाज नहीं मिल जाता तब तक इन जानवरों से दूर ही रहें। सरकार ने भी निपाह के बढ़ते खतरे को देखते हुए गंभीर एडवाइजरी जारी की है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि निपाह के खतरे को समझते हुए खुद को सुरक्षित रखने की दिशा में जो भी जरूरी कदम हो जरूर उठाएं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट। और इसके बाद जो प्यारा गीत है वो भी सुप्रिया जी अकेली गा रही हैं और बड़ा प्यारा सा गीत है आपके सामने। ये भी दिल लेक मंदिर से हमने लिया है और पिक्चराइजेशन बहुत ही ग्लूमी है, लेकिन गीत बड़ा प्यारा है और इतनी प्यारा अंदाज में सुप्रिया जी आपके सामने। पहले
देखिए, जैसे मैंने अभी आपको मेरी पीड़ा बताई कि अक्सर देखा गया सरकार की दोहरी नीति सामने आती है कि जो लोग सड़क पर उतर के उत्पात करते हैं, राष्ट्र की हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, पटरियां उखाड़ते हैं और सरकार से धमकी भरे लहजे में बात करती है, सरकार उनकी बात सुन लेती है और जो संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना चाहता है, जो वाकई जरूरतमंद तबका है, क्या वो मेरे सामने ब्राह्मण बैठे हुए वो क्या एक आरक्षण का अधिकारी नहीं है? क्या क्या कोई जाति? में आज ये कहना पूछना चाहती हूँ सरकार से और उन नुमाइंदों से कि क्या कोई गरीबी किसी जाति विशेष से आती है? क्यों नहीं इसको आर्थिक आधार कर दिया जाए? क्यों नहीं इस आरक्षण को शुड बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल सिचुएशन, ये आर्थिक आधार से करना चाहिए, इसकी मांग है हमारी। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो स्वर्ण जातियां पीछे नहीं हटेगी। पूरे राजस्थान की स्वर्ण जाति एक हो चुकी है, हर 33 जिलों में इसका बिगुल बज चुका है और सरकार को हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं आज मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, कि हमें मजबूर ना करें कि हम सड़क पर उतर के उत्पात करें, हम आंदोलन करें, हम उग्र आंदोलन करें। अगर ऐसा होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी, क्योंकि अब हम प्रताड़ित हो चुके हैं, वी आर द सफरर्स, और आज हमें हमारे समाज के लिए, हमारे हकों के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, नहीं तो शायद हमारी आगे आने वाली पुश्ते भी हमें माफ ना कर सके। सुनिश्चित किया गया है 21 फरवरी से 28 फरवरी तक मुनगा के पौधों को घर घर में रोपित करना, ट्री गार्ड से सुरक्षा देना और अतिकम वजन के बच्चों के परिवार को जानकारी देने का कार्यक्रम बनाया गया है। मुनगा, सुरजना या सहजन कुपोषण दूर करने में एक महत्वपूर्ण पौधा है। अफ्रीकन देशों में इसे माताओं का सबसे अच्छा दोस्त और पश्चिमी देशों में इसे न्यूट्रिशन डायनामाइट के नाम से जाना जाता है। 100 से भी अधिक तरीकों से इसका उपयोग पोषण के लिए होता है। मुनगे की फली से जहां स्वादिष्ट सब्जी बनती है, तो वहीं इसे सेक कर खाने से यह मूंगफली जैसा स्वाद देता है। मुनगे के बीज से तेल, छाल, पत्ती, गोंद और जड़ से आयुर्वेदिक दवाइयां और तने, फूल, पत्ती से खाद्य तेल मिलता है। मुनगा 300 से भी अधिक बीमारियों के उपचार में काम आता है। 100 ग्राम मुनगे की पत्तियों में दही से 9 गुना अधिक प्रोटीन, संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन सी, गाजर से 4 गुना अधिक विटामिन ए, केले से 15 गुना पोटेशियम, पालक से 25 गुना आयरन और दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। मुनगे के बीज के चूर्ण से पानी शुद्ध किया जा सकता है। इस तरह मुनगा आज के युग की संजीवनी बूटी है। मुनगे की पत्तियां शिशु और बढ़ते बच्चों के लिए टॉनिक के समान है। इसके पत्तियों के 25 ग्राम चूर्ण से बच्चों को 42% प्रोटीन, 125% कैल्शियम, 6% मैग्नीशियम, 74% आयरन, 41% पोटेशियम, 272% विटामिन ए और 22% विटामिन सी की पूर्ति होती है। इसकी पत्तियों का रस बच्चों को दूध में मिलाकर देने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है। महिलाओं को मुनगे से
कैल्शियम, विटामिन, आयरन और अमीनो अम्ल मिलता है। मुनगे की पत्तियों का रस गर्भवती माताओं को प्रसव पीड़ा से राहत देता है और इससे माताओं में दूध का स्राव भी अधिक बढ़ जाता है। मुनगे को लगाने के लिए ताजे बीजों को रात भर पानी में भिगोएं। खाद और बालू रेत मिली 8x4 के पॉलीथिन बैग में दो बीज प्रति बैग के अनुसार 1 से 2 इंच की गहराई में बीज को लगाएं। 1 माह बाद पौधों को 1.5x1.5 के गड्ढे में लगाएं और हल्की सिंचाई करें। 6 माह बाद ये पौधा फल देने लगता है। मुनगे की पत्तियां भी बहुत लाभदायक है, इसे भंडारित भी किया जा सकता है। सर्वप्रथम इसे पेड़ से तोड़ें, छाया में सुखाएं, कूटकर बारीक करें, फिर इसे छान लें और फिर आप इस चूर्ण को सब्जी में मसाले के रूप में काढ़ा बनाकर या फिर इसे रोटी के आटे में गूंथकर आप उपयोग कर सकते हैं। और तो और आप इसके चूर्ण को THR की पाउडर में मिलाकर लड्डू और चक्की भी बना सकते हैं और साथ ही डाइट चार्ट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस वजन के बच्चे को कितनी मात्रा में मुनगी का पाउडर देना है। सागर संभाग से कुपोषण दूर करने में मुनगा एक महत्वपूर्ण हथियार है। आइए कुपोषण की इस लड़ाई में हम सभी शामिल हों एवं माता और बच्चों के स्वास्थ्य को उत्तम और निरोगी बनाने में अपना योगदान दें। सभी को मैं ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ, साथ ही राष्ट्रवादी क्रांति दल परिवार की तरफ से शुभकामनाएं दे रहा हूँ। नमस्कार, ये सद्भावना टीवी चैनल है। आज हम आपको ले चल रहे हैं अंबेडकर टावर, जहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रेरक संघ के द्वारा आयोजित किया गया है। आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम। प्लीज आप आइए। कार्यक्रम समर्पित है, उनसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने विचार को रखें। गोविंद राम जी, हमारी मानव मांग है, आज जो है हम सरकार के खिलाफ इस दिवसीय धरना मांग है कि सबसे पहला कि हमको नियमितीकरण करो, नहीं तो 2019 के चुनाव में माने जिस तरह से अभी उपचुनाव का जो टेलर देखा गया है उसे भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा आप लोगों को। दूसरी बात रह गई कि हमारे जो है 31 मार्च के बाद सेवा विस्तार नहीं किया गया है, उससे हमारे प्रेरकों में बहुत आक्रोश है। हम लोगों को 22 माह से मानदेय नहीं दिया जा रहा है, अभी तक जो है 22 माह का मानदेय बकाया मानदेय बाकी है। 68 माह से कार्यालय व्यय का जो हमारा राशि है अभी तक हम दो लोगों के पास नहीं पहुंचा है। हमारे प्रेरक भाई हो समन्वयक ने अपने निजी कोर्ट से कार्यालय के चलाने के काम किया है, फिर भी सरकार इस पर बार बार हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा सरकार को, माने मांग पत्र दिया गया, सरकारों तक लेटर लिखते रहे, अपने पदाधिकारी को लेटर लिखते रहा, लेकिन किसी ने काम तक का क्यों नहीं देगा। मैं टीवी चैनल के माध्यम से उनको ये अवगत कराना चाहता हूँ, अगर यही परिस्थिति रह गई, अगर हमारी मांगे 15 दिन के अंदर पूरी नहीं होती है तो मैं आपकी क्या क्या मांग है? हमारी मांग है, सबसे पहला मेरी मांग है कि नियमितीकरण करें। अच्छा, 31 मार्च के बाद जो सेवा विस्तार नहीं किया गया है उसको सेवा विस्तार करके नियमितीकरण किया जाए। हमने साक्षर भारत योजना अगर बंद हो गई है तो किसी दूसरे योजना में हमें समायोजन किया जाए और हमारी मानदेय अल्प मानदेय पर हम काम जो कर रहे हैं उसका मानदेय हमारी बढ़ाया जाए, माने जो सम्मानजनक मानदेय जो होती है जो एक कर्मी की सम्मानजनक मानदेय है उसको दिया जाए। मैं यही बिहार सरकार और भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे ये सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और हमारी सेवा विस्तार किया जाए और नियमितीकरण किया जाए। अगला स्वरूप है कि हम लोग इससे पहले भी मांग दे दिए गए, अल्टीमेट कर दिया था सरकार को कि अगर हमारी मांग अगर 1 सप्ताह के अंदर नहीं मानी गई तो मैं सीतामढ़ी जिला के अम्बेडकर स्थल और धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम करूंगा। उसके बाद हमने प्रदेश के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है 5 तारीख से पटना के गर्दनी बाग में,
उस पर वहाँ भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद कल से हम लोग सुबह पटना के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ गर्दनी बाग में भूख हड़ताल और विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है जो सरकार के विरुद्ध वहाँ पे जो है हम लोग कल सुबह। ये सद्भावना टीवी चैनल है। अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर शब्द की गंभीरता से ज्यादा विषय वस्तु की गंभीरता को समझिए, राष्ट्र निर्माण में क्या दे सकते थे, अपना सर्वोच्च कैसे दे सकते थे और हमसे क्या आशाएं थी। युवा मोर्चा कार्यकर्ता आज का भारतीय जनता युवा मोर्चा कल का भारतीय जनता पार्टी है। इसमें तो बैठा हुआ व्यक्ति कोई नहीं जान रहा है इसमें तो बैठा हुआ व्यक्ति कल कौन बिहार प्रदेश का मंत्री हो जाएगा और कौन देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा। हमसे क्या आशाएं आपकी है पत्रकारिताओं पत्रकार के बंधुओं को इस क्षेत्र के बंधुओं को राजनीतिक कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद है। चूंकि यह बात नहीं है राजनीतिक कार्यकर्ता भी गलत करते हैं यानी स्वीकारना पड़ेगा। हम जाते हैं अखबार में और जाए कहते हैं कि इस न्यूज को आप रोक दें तो ये लाइन को काट दें। बस टीवी चैनल है। शॉर्ट सर्किट से न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा मेंसौल चौक के पास आग लग गया जिसको तुरंत दमकल की टीम आ करके और अग्नि शामक दस्ता आ करके उसको बुझाया। आइए हम इस तरह के दृश्य देखते हैं। टीवी चैनल है। हम आपको प्रमुख कार्यक्रमों को दिखा रहे हैं। आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम। मेरा बचपन मेरी जवानी मेरा बम्बों और गोलियों में अस्पतालों में गुजरा। 14 बार आतंकवादियों ने हमले किए और अब भी मेरा वो संघर्ष जारी है। ये जीवन बोनस का है, ये भगवान का दिया हुआ बचा हुआ शरीर का हिस्सा है और भगवान के चरणों में हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ। हे हनुमान जी, हे भगवान जी महाराज, जब भी मेरा जीवन जाए बीमार होके एक्सीडेंट से ना जाए, जब भी मेरा जीवन जाए मातृभूमि की रक्षा करते हुए पहले की तरह बम्बों और गोलियों से जाए। और आज हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, को कांग्रेस में हो सकता है, को बीजेपी में हो सकता है, को समाजवादी पार्टी में हो सकता है, को बीएसपी में हो सकता है, पर राष्ट्र प्रथम, मातृभूमि पहले उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां लीडर। जब हमारे अंदर यह विचार आ जाएगा कि मातृभूमि पहले प्रथम राष्ट्र, तो फिर तो झगड़े का सवाल ही कोई नहीं। पाकिस्तान की हिम्मत क्या है कि हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मेरा बीजेपी के साथ, सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं मिलने की कोशिश करता हूं ना मिलने की इच्छा है। पर मेरे बचपन से लेके आज का जो सपना पूरा हुआ है, एक पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, उसके बाद आया है नरेंद्र मोदी या कभी इंदिरा गांधी ने, जिसने आज आतंकवादियों के चने चबा दिए। चाइना जैसा कंट्री जिससे अमेरिका भी काम जाता है, इतनी बड़ी ताकत इस दुनिया की, हमारे
सरहदों पे आके चाइनीज फौजियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पहली बार हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने आपने टेलीविजन के अंदर बड़े बड़े अखबारों में देखा होगा, मार के जफ्फा पंजाबियों की तरफ भगा के वो फेंक दिया, ये नरेंद्र मोदी ने किया। 56 इंच की छाती के ऊपर चर्चा बहुत होती है, मजाक बहुत उड़ाया जाता है। मैं फिर कहूं, मेरा किसी से लेना देना नहीं, प्रथम भारत जो मातृभूमि की सीमाओं की, मातृभूमि का एक इंच हिस्सा कहीं जाने ना दे, उसके उस सलूट करना ही पड़ेगा, उसके आगे तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। कोई अपने विचार अपने अंदर रख सकता, मैं क्यों बोलता हूं, पर मेरे अंदर तो राष्ट्र पहले है, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, मेरा लीडर, कोई नहीं, सबसे पहले भारत, जिसके लिए जीवन दिया है और आधा जिसके लिए देना है। और हम सब फिक्र में थे, आप भी तकलीफ में थे, क्या जंग होगी, जंग के हालात बन चुके थे, और चाइना के साथ जंग होगी तो जंग बहुत खतरनाक होगी। जंग कहना बहुत आसान है, जब बहनों के सुहाग उजड़ते हैं, लोग उजड़ते हैं, कश्मीर जम्मू के पास आके देखिए जिस तरीके से गोलाबारी होती है, उन लोगों को पूछिए वो कैसे रात दिन जीते हैं अपने बच्चों के साथ। पर नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया, ये 1962 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। तो फिर एक बड़ा सुंदर होटल था, रेस्टोरेंट था, तो उस रेस्टोरेंट में एक बाहर नोटिस बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, कृपया आप हमारे होटल में आइए, खाना खाइए, और यहाँ आपको होटल खा के बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल आपके पोते देंगे, आप तो जो खाना खा लीजिए, बिल आपको नहीं देना, बिल आपके पोते देंगे। एक आदमी ने पूछा, अरे वाह, तुम खाओ और बिल नहीं देना, बिल बाद में पोते चुकाते रहेंगे, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती। पहुंच गया, पहुंच करके उसने आज तो बोले, आज तो जितना सामान है मेन्यू कार्ड में सब आज ही मंगा डाला, कढ़ाई पनीर, कढ़ाई कोफ्ता और चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन सब मंगा डाला, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम। अब ज्यादा नहीं कहना चाहिए, नहीं कथा से थोड़ा ट्रैक चेंज हो जाएगा, फिर कथा नहीं बिकेगी, फिर आंखों की तामे रसगुल्ले घूमेंगे। तो सब मंगा लिया और खूब पेट भर के चका के खाया, और खा के उठने ही वाला था कि वेटर ने बिल ला के रख दिया। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, बाहर बोर्ड पे तुमने खुद ने लिखा है कि तुम खाओ तो पैसा नहीं देना, तुम्हारे पोते चुकाएंगे, और तुम अपनी बात से पलट रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं। वेटर ने कहा, साहब गुस्सा मत करिए, ये बिल आपका नहीं है, ये बिल तो आपके दादाजी का है। कर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा, कोशिश कर सकते हो बचने की पर बच नहीं पाओगे, वो कर्म घूम करके एक दिन आएगा तुम्हारे पास, पोते नहीं तुम ही अपने कर्मों को चुकाओ, और दूसरा कोई वो स्थान नहीं लेगा। इसलिए किस्मत से ज्यादा, भाग्य से ज्यादा कृष्ण नाम में विश्वास रखो। सद्भावना टीवी चैनल में आपका स्वागत है, आज हम आपको ले चल रहे हैं रूनी सतपुर, जहाँ पर राष्ट्रवादी क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा जी हमारे स्टूडियो पर आ रहे हैं, आइए उनसे एक भेंट वार्ता हम दिखला दें। शुभ अवसर पर सभी जनमानस को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो रेलवे एक्सीडेंट में मरे आए हुए डॉक्टर को पता नहीं चला और शिक्षक के आदमी को मिला नहीं। दूसरा नंबर हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो लोग आज कह रहे हैं कि बिहार में जो चर्चा देना चाहिए, ये स्पेशल प्रचार
ये सद्भावना टीवी चैनल है, हम आपको ले चल रहे हैं होटल जानकी विहार, जहाँ पर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यशाला आयोजित किया गया है। आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम का दृश्य, जिसका उद्घाटन समाहर्ता सीतामढ़ी ने किया। हम लोग आज सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम, जो कि फाइलेरिया के नियंत्रणार्थ चलाया जाता है, उसके पुष्प की तैयारी के कड़ी में हम लोग आज चिकित्सा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के सत्र में उपस्थित हुए हैं, जहां आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हमें यह कार्यक्रम सफलीभूत करना है, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। टेक्निकल सेशन भी होगा, जिसमें फाइलेरिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, क्या रोग है, कैसे होते हैं, क्या बचाव के उपाय हैं, क्या करने चाहिए, और फिर इसके लिए जो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम चलाया जाता है सर्वजन दवा सेवन, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उसके साथ साथ हाउ टू कोऑर्डिनेट, कैसे मॉनिटर करेंगे, मॉनिटरिंग प्लान कैसे रिव्यू करेंगे, कैसे उसकी समीक्षा करेंगे और फिर कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग पूरे सत्र में चर्चा करेंगे। हमारे द्वारा भी इसका वर्णन किया गया है, जो आज भी महावक्र निदान के रूप से प्रचलित है, लेकिन मॉडर्न फाइलेरिया के बारे में जानकारी की जहाँ तक बात है, तो 1772 में इसके लॉर्ड लेविस ने जब ये पता किया कि नहीं यह एक परजीवी के द्वारा होता है, और फिर उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली 1872 में, जब यह बताया गया कि माइक्रो फाइलेरिया ही इसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, और यही जब एक दूसरे के शरीर में जाता है तो फाइलेरिया काउज होता है। तो इतिहास बहुत पुराना है, उसके बाद ही 1872 के बाद ही सूरत नेशनल फाइलेरिया प्रोग्राम जब आज़ादी के बाद 1955 में लागू हुआ तो पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, कार्यक्रम सही ढंग से नहीं क्रियान्वित हो पाए, बहुत सारे तथ्य समझ में नहीं आए और बहुत सारी बातें जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर कमी हुई। लेकिन अब भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार इस कार्यक्रम को सशक्त बना रही है। इसके लिए सर फाइलेरिया के बारे में वुशेरिया बैंक्रॉप्सी नामक परजीवी के कारण होता है, यह एक कृमि रोग, जैसे वॉर्म होते हैं तो वॉर्म उसी तरह का एक वॉर्म है। हमारे यहाँ रिजल्ट चौंकाने वाले आए हैं और हमें 4000 के सैंपल में 441 पॉजिटिव केसेस मिले, 441 इज ए वेरी हाई अमाउंट, नियरिंग अबाउट 11%। तो ये जो है बहुत हाई इन्फेक्शन है, हमारा लक्ष्य होगा 1% से कम करने का, 1% से और 11%। ऐसा सर इसलिए हुआ कि अब तक जो है पूरे देश में माइक्रो ब्लड सर्वे जो होता था वह नाइट ब्लड सर्वे के रूप में रात में निकाला जाता है, क्योंकि फाइलेरिया के जो ये माइक्रो फाइलेरिया है सर, ये रात में ही निकलते हैं ब्लड में। दिन भर ये का गठन किया है और सभी जिसमें एक चिकित्सा पदाधिकारी होंगे, एक ANM होगा, एक सुपरवाइजर होगा, अगर इस तरह के लक्षण दवा खिलाने के तुरंत बाद मिलते हैं तो उसको शीघ्र वहाँ उपचार किया जाएगा या फिर एम्बुलेंस के माध्यम से PSC में ला के उसको सुपरविजन में रखा जाएगा। हालांकि दवा बिल्कुल सुरक्षित है, पूरा जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से और विशेषकर विधि नियंत्रण विभाग की ओर से सरकार को इसका आभार प्रकट करते हैं कि अगर आपकी इसी तरह से नेतृत्व रहा और आपका मार्गदर्शन मिलता रहा सर, तो हम लोग निश्चय ही इस गंभीर बीमारी को भी बहुत जल्द से मिटा देंगे। शीघ्र ही हम चाइना में BC नमक के वुमन कार्ड में 45 करके दिया जाता है। उत्तुंड है कि सीतामढ़ी जिला में
और घाट पर के नमन मिलेगा। क्योंकि सीतामढ़ी जिला डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव और इनके समूचे कंट्रोल पदाधिकारी यूनिट के सभी कर्मी के द्वारा जो कार्यक्रम है और यह मोटर कार्यक्रम है और ये इनकी प्रशंसा पटना में तो होती ही है, साथ ही साथ उनके लिए असर करती है। तो अब मैं विशेष रूप से क्या कहूँ, लेकिन दवों को अपने सामने में दवा खिलाया जाए यह अति आवश्यक है। और पिछले बार के 23 तारीख को एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर महोदय ने कहा कि मात्र मस्तिष्क से 30-40% दवा का तो कंज्यूम डिस्ट्रक्ट इस ड्रग का सेवन करना हर लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। और आपने देखा है, आप देखते भी हैं कि इसके कितने बेहतर परिणाम हो जाते हैं। तो उनके लिए जो हमारा सर जन दवा कार्यक्रम है 18 से लेकर के 22 जून तक, इस अवसर पर हम लोगों को अवेयर करें, घर घर जाकर के दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करावें और ये भी सुनिश्चित करावें।